नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका बीपीएससी वाला पर आज ये सेशन आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और इस सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जी हाँ आज मैं आपके साथ में यहाँ पर बात करने वाला हूँ जियोग्राफी के बारे में यानी कि भूगोल जो होता है उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा विषय है जहां से आपसे प्रिलिम्स और इसके साथ साथ मेंस और हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में भी सवाल यहां से पूछे जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसा विषय है जहां पर परीक्षाओं में सवाल बनने की संभावना जो होती है वो प्रबल होती है फिर चाहे हम लोग भारत के भूगोल की बात करें या हम बात करें विश्व के भूगोल की तो चलिए मेरे साथ हम इस सफ़र को इस कहानी को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाएंगे और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसके समय रहते सही जवाब जो है वो प्रदान किए जाए इस सेशन में हम लोग प्रिलिम्स और इसके साथ साथ मेंस और इसके साथ साथ में इंटरव्यू की साथ में तैयारी करेंगे और हाँ आंसर राइटिंग के लिए भी आपकी फैक्चुअल चीजें और कंसेप्चुअल चीजें वो दोनों आपके साथ में रहें ऐसी पूरी मैं कोशिश करने वाला हूं तो चलिए मेरे साथ हम इस सफ़र को अब स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर भूगोल की यानी कि इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी और ये आज मेरी यहां पर पहली कक्षा है और मैं समय दर समय आपके लिए यहां पर इस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कराएंगे इस उम्मीद के साथ में इस कोशिश के साथ में कि जब आप प्रिलिम्स या मेन्स एग्जामिनेशन देने जाएँ तो वहां पर आपको सवाल जो हैं वो इस सेशन से मिल जाने चाहिए तो चलिए मेरे साथ हम लोग इस सफर को एक बार फिर यहां पर स्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे पहले सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि क्या क्या आज हमको यहां पर सीखना है आज हम क्या क्या यहां पर जानेंगे तो अगर मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी जो है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यानी कि भूगोल का परिचय जो है वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले सिखाऊंगा सबसे पहले आपको बताऊंगा उसके बाद जो दूसरा हमारा यहाँ पर बिंदु रहेगा डिस्कशन का हम लोग यहाँ पर भूगोल का वर्गीकरण जो है भूगोल का वर्गीकरण जो है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ जियोग्राफी जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी ताकि आप लोग अपनी समझ को अच्छे तरीके से यहां पर बना सकें और इसमें क्या अंतर होता है वो भी आप यहां पर बता सकें उसके बाद अगला जो हमारा चर्चा का बिंदु रहेगा हम लोग यहाँ पर भारत के भूगोल की भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी जो होती है सामान्य जानकारी यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ये एक ऐसा विषय है जहां पर आपकी समझ विकसित होना बहुत जरूरी है जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि आप जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आप उनका आंसर उनका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो आज हमारे सामने ये डिस्कशन का बिंदु है हम लोग यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी और उसके बाद में हम लोग यहां पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल जो है उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले भूगोल या जियोग्राफी हम लोग सिक्स क्लास से इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जैसे एस स्टार्ट होता है तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ और जब बात यूपीएससी की आती है जब बात स्टेट पीसीएस PC, की आती है यानी कि बीपीएससी एमपीपीएससी आर एस यूपीपीएससी तो जब भी आप टॉपर्स को पढ़ते हैं जब भी आप टॉपर्स को यहां पर देखते हैं तो एक सलाह जरूर यहां पर दी जाती है और वो कि आपको एनसीआरटी कवर करना है अब सवाल यह आता है कि सर वो एनसीईआरटी तो हम कई साल पहले पढ़ के छोड़ आए हैं तो एक बार हमको क्यों पढ़ना है उन सारी चीजों को इसका सीधा सीधा सा उद्देश्य यहां पर यह होता है दोस्तों कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो डिजाइन की गई है वो सिक्स क्लास के बच्चे की जो मानसिकता होती है उसको आधार बनाकर सेवेंथ क्लास एट्थ क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तो आपके जो बौद्धिक स्तर जो होता है उसके हिसाब से उन किताबों को डिजाइन किया जाता है ताकि आपकी एक प्रॉपर समझ जो है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी विकसित हो सके और आप प्रिलिम्प में गोला भर सके और मुख्य परीक्षा में आप अच्छे से अपना उत्तर जो है वो यहां पर लिख सके और इसीलिए मैं भी ये कोशिश करूंगा मैं भी ये पूरा प्रयास करूंगा कि यहां पर एक एक शब्द शह यानी कि वर्ड टू वर्ड आपके सामने मैं उन सारी चीजों को बताऊं उन सारे बिंदुओं को आपको मैं समझा दूं तो चलिए अब उसके बाद में हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि क्या यहां पर ज्योग्राफी जो है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका परीक्षा की दृष्टि से कितना वेटेज आता है और अगर आप इससे पहले एग्जाम दे रखे हैं या अभी पहली बार देने जाएंगे तो आपने पी क्यूज को जरूर देखा होगा और आपने इस बात का तो पता लगा लिया होगा कि भाई ज्योग्राफी से सवाल तो बनते हैं फिर वो चाहे फैक्चुअल हो या कंसेप्चुअल हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले अगर मैं आपके सामने यहां पर इस ज्योग्राफी की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूं यानी कि इसका परिचय अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो क्या है ज्योग्राफी क्या एक विषय है क्या एक विज्ञान है देखिए आइडियोलॉजी जो कहती है विचारधारा जो कहती है वो हर एक सिक्के के दो पहलू जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कोई इसे विषय कह सकता है कोई इसे विज्ञान कह सकता है कोई कह सकता है कि सिंपल सी एक जानकारी है इंफॉर्मेशन है हमारी पृथ्वी के बारे में जहां हम रहते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि जहां हम रहते हैं वहां की जानकारी तो हमारे पास में होनी ही चाहिए लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी रिसर्च जो हैं वो अब हमारे सामने आ चुकी हैं जिनको अध्ययन करके जिनके स्टडी करके हम डेली नए फैक्ट जो है डेली नए इंफॉर्मेशन जो है उनको इंक्लूड करते रहते हैं अपने रोजमर्रा की जो दिनचर्या हमारी रोजमर्रा की जो जीवन है दिनचर्या जो है उसमें नई नई चीजें हम लोग सीखते रहते हैं चलिए देखें जरा so most individuals define geography as a field of study that deals with map yet this definition is only partially correct a better definition of geography may be a study of natural and human constructed phenomena related to a spatial dimension इसका सीधा सा अर्थ हमारे सामने निकल के आता है कि भाई हो सकता है कि अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो भूगोल को या भूगोल के अध्ययन को एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं जो मानचित्रों से संबंधित है क्या इतना ही केवल भूगोल है और मैं मान सकता हूं कि आप अगर यहां पर अपना जवाब की प्रतिक्रिया जवाब देंगे प्रतिक्रिया देंगे तो जवाब यहां पर नो हो जाएगा हालांकि ज्योग्राफी पढ़ते टाइम मैं आपको आज एक बात और यहां पर समझा दूं एक बात और मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी पढ़ते टाइम पर आप लोग मैपिंग जरूर करें क्योंकि जब तक आप मैपिंग नहीं करेंगे यह विषय आपको समझ में नहीं आएगा और वो चीज तो आपने सुनी होगी देखी होगी कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हमको जल्दी याद होता है एज कंपेयर टू अगर हमने किसी से सुना हो तो है ना तो मैपिंग तो भाई आपको करनी होगी लेकिन यह विषय केवल मैपिंग तक तो लिमिट नहीं है मैपिंग तक तो सीमित नहीं है फिर भी यह परिभाषा केवल आंशिक रूप से सही है भूगोल की एक बेहतर परिभाषा एक स्थानिक आयाम के सापेक्ष प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का अध्ययन हो सकती है या तो प्रकृति ने उनका निर्माण किया हो या फिर मानव ने उनका निर्माण किया हो उन सारी चीजों को जब हम यहां पर अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग यहां पर भूगोल कह सकते हैं भूगोल हम इसको यहां पर अपनी जो परीक्षा है परीक्षा के जो बिंदु हैं उनमें शामिल कर सकते हैं आई होप के ये जो वर्ड मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इनको आप अच्छे से समझ में होंगे इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी यानी कि एक चीज हमने यहां पर आज सीख ली है कि ज्योग्राफी जो है वो केवल मानचित्रों का अध्ययन तो नहीं है ज्योग्राफी या तो प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित ऐसा बोल सकते हैं कि जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना ही हम लोग यहां पर उसको ज्योग्राफी के रूप में शामिल कर सकते हैं लेकिन 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 ये बात जो है वो यही समाप्त नहीं हुई है हमें इसके आगे भी चलना होगा आगे भी हमको यहां पर जानना होगा जब भी हम कोई वर्ड के बारे में पता करते हैं तो लैटिन वर्ड्स हमारे सामने आते हैं ग्रीक वर्ड ज्योग्राफर्स ये ऐसा क्यों ग्रीक क्यों क्योंकि इसलिए क्योंकि वहां के जो दार्शनिक थे वहां के जो थिंकर थे उन्होंने सबसे पहले हमारे यहां जो हमारा जो भूगोल है उसके बारे में हमको जानकारी बताई और इसीलिए हम वहीं से इसकी शुरुआत भी मान लेते हैं आपने सुना होगा प्लेटो के बारे में आपने सुना होगा अरस्तु के बारे में आपने सुना होगा यहां पर सुकुरात के बारे में है ना तो उन्होंने हालांकि वो ज्ञान वास्तविक था या उनकी हाइपोथेसिस थी उससे मतलब नहीं लेकिन दिया उन्होंने बताया उन्होंने हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो कई हजार साल पहले इन सबकी जानकारी हमारे पास में थी लेकिन जब हम आधुनिक विश्व की बात करते हैं तो वहां पर हमको यह देखने मिलता है कि जो ग्रीक के जो थिंकर्स जो थे दार्शनिक जो थे उन्होंने हमारे सामने इन सारी चीजों को प्रस्तुत किया था ओके सो लेट सी वट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जियोग्राफी ओके ग्रीक वर्ड जियोग्राफोज फ्रॉम विच जियोग्रॉफी इज डराइव यानी कि एक ग्रीक शब्द है जियोग्राफोज जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जियोग्राफी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति हुई है या उससे व्यत्पन्न है और इसका शाब्दिक अनुवाद यानी कि इज लिटरली ट्रांसलेटेड एज राइटिंग यानी कि ग्राफोज अबाउट द अर्थ दैट इज जियो यानी कि अगर हम लोग बात करें यहां पर ज्योग्रॉफी के बारे में तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भू आपकी जो पृथ्वी है उसके बारे में लिखना ठीक है इस बात को आप लोग जान जाइए लेकिन सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई आप ज्योग्रॉफी यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना लेकिन हम तो ज्योग्रॉफी में पूरे सौरमंडल का अध्ययन करते हैं ना सौरमंडल का अध्ययन करते हैं ना हम तो जो हमारा पूरा प्लैनेट सिस्टम है हम तो उसका अध्ययन करते हैं हम तो यहां पर जो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है उसकी थ्योरी भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें जो है वो समय समय रहते वैज्ञानिकों के द्वारा यहां पर रिसर्च के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की जैसे आपने सुना होगा ग्रहों की गति के नियम कैपिलर के द्वारा दिए गए थे ऐसी बहुत सारी जो थ्योरीज है वो हम लोग समय दर समय यहां पर पढ़ते रहेंगे सो नेक्स्ट ज्योग्राफी डिफर्स फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ जियोलॉजी यानी कि जियोलॉजी से अगर देखा जाए तो जियोग्राफी जो है वो क्या है थोड़ा सा अलग हमको देखने को मिलता है बिकॉज क्यों बिकॉज जियोलॉजी फोकसेस मेनली ऑन द फिजिकल अर्थ एंड द प्रोसेस दैट फॉर्म एंड कंटिन्यू टू शेप इट यानी कि अगर हम लोग यहां पर जियोलॉजी की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो भू विज्ञान मुख्य रूप से भौतिक पृथ्वी और उन प्रक्रियाओं पर केंद्रित है जो इसे आकार देते हैं या फिर इसको जारी रखते हैं या फिर इसको जारी रखते हैं ठीक है तो मुझे लगता है कि यहां पर जो वर्ड था जो विषय है और उसका समझ जो है वो तीनों चीजें आपको यहां पर अब अच्छे से समझ में आ गई हैं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है क्लियर है यहां तक की बातें सारी चीजें मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करता जाऊंगा बिल्कुल छोटे छोटे बिंदुओं के साथ में ताकि आपकी समझ जो है वो विकसित होती रहे समझ में आ गया बच्चों चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने ये सीख लिया कि भाई जियोग्राफी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है ग्री ठीक है जो जियो, जियोग्राफर्स उससे मिलकर बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ मिलता है हमको यहां पर भू यानी कि पृथ्वी का लेखन ये हम लोग यहां पर बोल सकते हैं और जियोग्राफी और जियोलॉजी जो है उसमें भी हमने डिफरेंस जो है वो हमने यहां पर देख लिया है जियोलॉजिस्ट आपने देखा होगा जियोग्राफर आपने देखा होगा तो दोनों चीजें आपके सामने मैंने यहां पर प्रस्तुत कर दी हैं और इन सारी चीजों को आप यहां पर समझ गए होंगे यानी कि अगर हम लोग इतने से पूरे मामले को यहां पर देखें तो भाई ये जो हमारी पृथ्वी है इसका हमको यहां पर क्या करना है अध्ययन करना है इसके बारे में हमको यहां पर जानना है इसके बारे में ही हमको समझ जो है विकसित करनी है और ना केवल इसके बारे में ना केवल इसके बारे में इसके अलावा जो सात ग्रह हैं बौना ग्रह हैं क्षुद्र ग्रह हैं उनके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा तो करेंगे क्योंकि सवाल बनने तो लाजमी है यह विषय ही ऐसा है और हां एक बात और मैं आपको बता दू अगर इस विषय में आपकी समझ विकसित हो गई तो आप यह पाएंगे कि दिन ब दिन आपकी जो क्यूरोसिटी जो है वो यहां पर बढ़ती जाएगी क्योंकि चीजें आपके सामने प्रस्तुत हैं चीजें आपके सामने प्रस्तुत है, है। इसीलिए जो विषय जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है और मैं वादा करता हूं आपसे अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का भी नहीं है तो अगर आप मेरे साथ यहां पढ़ेंगे अगर आप मेरे साथ यहां पर इसको शामिल करेंगे अपने अध्ययन में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है ठीक है बच्चों चलो तो इतनी सी बातें जो थी वो हम लोग यहां पर जान चुके हैं इतनी सी बातों के बारे में हमको आभास जो है ज्ञान जो है वो ज्ञान ज्ञान में जो वृद्धि जो है वो हमारी होने लगी है ठीक है आइए मेरे साथ ऑन द अदर एंग ज्योग्रॉफी इन्वॉल्व अ मच ब्रॉडर अप्रोच टू एग्जामिनिंग द अर्थ एज इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज सच ज्योग्राफी हैज टू मेजर सब डिविजन ह्यूमन दट इज सोशल साइंस एंड फिजिकल दट इज ने साइंस यानी कि अगर उन सारी चीजों को हम साइड से भी रख दे तो अगर इसका दूसरा पहलू अगर हम यहां पर देखें तो भूगोल में पृथ्वी की जांच करने के लिए बहुत व्यापक दृष्टिकोण शामिल है क्योंकि इसमें मनुष्यों का अध्ययन भी शामिल है मनुष्यों का अध्ययन उ कैन बी पॉसिबल मनुष्य कदम तो ह्यूमन एनाटोमी उसको हमको यहां पर पढ़ना था फिर सर ये कैसे अरे मेरे भाई अगर हम लोग यहाँ पर भूगोल की बात करते हैं तो आप जानते हैं ना कि भूगोल जो है वो दो प्रकार से होता है अब आप ये मत बोलिए कि सर हाँ 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 मुझे पता है एक इंडियन ज्योग्राफी होती है एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है ऐसा नहीं इसके अलावा भी एक अंतर जो है वो मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है क्योंकि एक हम लोग यहां पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे और दूसरा जो होता है वो होता है यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे माय गॉड ये तो क्या ही लेके आ गए आज आप हमने तो अभी तक जब पढ़ रहे थे तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखा था लेकिन बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे भी नए हैं जो आज यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी यहां पर क्लासिफाइड करेंगे यानी कि उसको भी यहां पर क्या करेंगे बच्चों वर्गीकृत करेंगे ठीक है यह बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे अच्छा लेकिन सर अगर आप मुझे बता दें अगर आप मुझे समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ताकि मेरी समझ जो है मैं नोट्स जो बना रहा हूं ना वहां इसको मेंशन कर लूंगा ठीक है आओ जरा मेरे साथ सुनो जरा सो वट यू मीन बाय फिजिकल जियोग्राफी अगर हम यहां पर भौतिक भूगोल के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या होता है ओके सी फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अवर होम प्लेनेट एंड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट इट इज लैंड वाटर्स एटमोस्फियर एंड इंटीरियर यानी कि जब आप यहां पर भौतिक भूगोल की बात करेंगे तो इसमें ना केवल आपके ग्रह और हमारा ग्रह तो आप लोग जानते ही हैं हमारा ग्रह हमारा ग्रह कौन सा है हमारा ग्रह है यहां पर पृथ्वी पृथ्वी दैट इज अर्थ और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लेनेट क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है ब्लू प्लेनेट यानी कि इसको साथ ही साथ हम लोग नीला ग्रह कहते हैं क्यों क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है लेकिन सर आज तो मैंने सुना था कि पानी पृथ्वी पर जल संकट है बिल्कुल सही बात सुना है तुमने वो जल संकट पता है क्यों क्योंकि ये जो जल हमारी पृथ्वी पर है ना ये जल जो है वो पीने योग्य नहीं है ये जल जो है ये पीने योग्य नहीं है खारा पानी है इसलिए इसको पिया नहीं जा सकता है ये बात भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात की भी आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए इज इट क्लियर बच्चों सारी चीज समझ गए हैं तो हम लोग अगर यहां पर भौतिक भूगोल की चर्चा करें तो हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी और उसके सभी घटकों का अध्ययन है इसकी भूमि इसका जल इसका वातावरण और इसकी आंतरिक स्ट्रक्चर ओ हो हो यहां पर चर्चा जो है वो की जा रही है आपके पृथ्वी का जो आपने सुना होगा ना कोर मेंटल कोर इसके बारे में आपने यहां पर सुना होगा इसके बारे में आपको जानकारी होगी <coughs> इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी है ना कोर मेंटल है ना क्रस्ट ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे आगे चल के इनके बारे में जानेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं, वो हम लोग यहां पर फिजिकल जोग्राफी जो होती है उसमें क्या करेंगे उसमें इसको इंक्लूड कर लेंगे इस बात को आप जान जाइए इस बात को आप लोग यहां पर समझ जाइए सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना बताते जाइएगा मुझे ठीक है बच्चों तो ये हमने यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी की चर्चा इसकी बात जो है अब यहां पर हमने कर ली है अच्छा ठीक है मान लिया तो सर अगर हम अपनी बात करें यानी कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो फिर वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना अगर वो बताएंगे तो फिर पूरा अंतर जो है वो डिफाइन हो जाएगा अच्छा आओ मेरे साथ सुनो जरा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल की चर्चा चल रही है यहां पर है ना अच्छा मानव भूगोल यानी कि मानव से संबंधित जो भी यहां पर बिंदु हैं उन सब की चर्चा जो है वो यहां पर की जाए मतलब मतलब कि जो मानव भूगोल है ये एक सामाजिक विज्ञान है इज सोशल साइंस दैट फोकस ऑन पीपुल वेयर दे लिव दे वेस्ट ऑर लाइफ एंड देर इंट्रेक्शन इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड सिंपल एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिक स्टडी इन ह्यूमन जियोग्राफी वुड बी वियर इज द हिस्पेनिक पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड इन दू एस एंड वाय चीज हमको समझ में आनी चाहिए हम यहां पर क्या देखें हम यहां पर देखें कि जो मानव भूगोल है यह एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस है जो लोगों पर ध्यान लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है कोई मनुष्य जो है वो कहां पर रह रहा है कैसे रह रहा है क्या उसका जीवन है क्या उसके आसपास का क्षेत्र है क्या उसकी बोल सकते हैं कल्चर है उन सारी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन क्या वो सारी जो चीजें होती हैं उनको यहां पर हम इसमें इंक्लूड करते हैं समझ में आ रही होंगी सारी बातें आप सबको कहीं भी अगर आपको लगे ना कि यार ब्रेकर आ गया है मुझे वहीं रोक देना और वहीं मुझे एक बार छोटा सा कमेंट कर देना सर ये चीज समझ में नहीं आई तुरंत ठीक है बच्चों क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब आप मेरे साथ में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट जो है वो रहना नहीं चाहिए ठीक है सुनो जरा तो एक सामाजिक विज्ञान है जो लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां वे रहते हैं उनके जीवन के तरीके और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में उनकी बातचीत जो है वो हम लोग यहां पर करते हैं और मानव भूगोल में भौगोलिक अध्ययन का एक सरल उदाहरण है यह होगा कि अमेरिका में हिस्पैनिक आबादी कहां केंद्रित है और क्यों केंद्रित है अब सवाल आता है सर ये हिस्पैनिक क्या होता है मैंने तो ये शब्द शायद सुना ही नहीं था पहले बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने शब्द सुना ही नहीं होगा अब जब आप यूएस की बात करते हैं यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आप देखते होंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो वहां आप पर आपको दो प्रकार के लोग जो है वो देखने को मिलेंगे एक को बोला जाएगा यहां पर हिस्पैनिक और दूसरे जो है उनको बोला जाएगा लेटिनो हिस्पैनिक और लेटिनो मतलब हिस्पैनिक एक ऐसी आबादी एक ऐसी आबादी जो स्पैनिश बोलते हैं आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग जो थे पहले जब रेवोल्यूशन जब आया था यहां पर क्या बोलते पुनर्जागरण जब हुआ था नैनेसा जब हुआ था तो आप देखते हैं ना यूरोप ने बाकी सारे देशों में अपनी कॉलोनियां जो थी उनको स्टेबल कर लिया था लोग वहां पर जाकर अपना रूल करना स्टार्ट कर दिए थे उनके लोग जो थे वो दूसरे देशों में जाकर रहना स्टार्ट कर दिए थे तो उसी तरीके से स्पेन के जो स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे उनको कहते हैं यहां पर हम स्पेनिक और जो लोग यहां पर बोल सकते हैं कि लैटिन अमेरिका लैटिन अमेरिका में जो रहने वाले लोग जो हैं ठीक है उनको हम लोग यहां पर लैटिनो बोलते हैं सो आई होप के आज जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था हिस्पेनिक अगर मान लो आपसे कोई पूछे अच्छा मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि भाई जो हिस्पैनिक आबादी जो है वो यूएस में कहां पर कंसंट्रेटेड है मतलब कहां पर संकेद्रित थे, थे और क्यों तो मैंने बताया कि भाई कुछ लोग आते थे यहां पर आके रहे उसके प्रकार से वो क्या करने लगे यहां पर अपने आप को उन्होंने स्थापित कर लिया अपने आप को उन्होंने स्टेबल कर लिया ठीक है, बेसिक डिफरेंस पर देखा कि अगर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा आपके आसपास का जो वातावरण है आपका ग्रह है उससे संबंधित जल है भूमि है उन सबका अध्ययन और उसके अलावा जो हम लोग बात करें यहां पर आ, आ, ह्यूमन ज्योग्राफी की तो उसमें आपकी पॉपुलेशन जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका कल्चर जो है आपके तरीके वे ऑफ लाइफ जो है उन सबको हम लोग यहां पर इसमें शामिल करेंगे इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखें इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए तो अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे यहां पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी तो आंसर दे पाओगे ना तब तो आंसर दे पाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है कि आज जो चीजें हमने यहां पर सीखी हैं ये डायरेक्ट आपके दिमाग में पहुंच जा रही होंगी जोग्राफी शब्द कहां से आया उसका वर्गीकरण क्या होता है और उन वर्गीकरण में भी उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो पॉइंट भी मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं बता चुका हूं लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सवाल जो है वो यहीं तक नहीं है इसके अलावा भी अगर हम यहां पर आगे की चर्चा करें तो आप देखेंगे मैंने आपके सामने अगर मान लीजिए फिजिकल की बात की है तो ये देखेंगे आप अर्थ भूमि लैंड वातावरण उन सब की चर्चा और अगर हम यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो आपका शहर आपके रहने का तरीका आपका पॉपुलेशन ट्रांसपोर्टेशन वो सारी चीजें जो हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होती हैं उनको हम लोग यहां पर कवर करते हैं ये बात नोट डाउन करते जाइएगा बचना नहीं चाहिए रहना नहीं चाहिए छूटना नहीं चाहिए ठीक है बच्चों आओ मेरे साथ अब एक छोटा सा पिक्चर मैंने आपके सामने और प्रस्तुत किया है ताकि आप अगर वहां से ना समझ पाए तो कम से कम इस माइंड मैप के थ्रू आप यहां पर समझ लें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि अगर हम यहां पर अंतर की बात करें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में तो क्या मूलभूत अंतर यहां पर हो सकते हैं देखिए जब भी हम लोग यहां पर चर्चा करें जब भी हम लोग यहां पर चर्चा करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखेंगे हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान जो है आपकी उसकी चर्चा करेंगे उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी यानी कि आपका जलवायु विज्ञान जो है उसकी चर्चा यहां पर करेंगे उसके बाद में सोयल जियोग्राफी पूरा आपका जो मिट्टी का हिसाब किताब है और उसके बाद में जियोमोर्फोलॉजी जियोमोर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान जो है उसकी चर्चा करेंगे जैसे अगर मान लो हम इस चित्र की चर्चा करें यह चित्र मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया अब इस चित्र में आप देखेंगे तो सारी चीजें ग्लेशियर भी आपके सामने हैं माउंटेन पीक भी है माउंटेन रेंज भी है रिवर भी है ट्रिब्यूटरी भी है हिल भी है प्लेन्स हैं रिलीफ कोलैप कोलैप्स हैं एश्वरी हैं ठीक है सी फ्रंट हैं ठीक है आइलैंड्स हैं ओशन है प्लेटू है, 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 है अब है तो पृथ्वी पर ही भाई है तो पृथ्वी पर जैसे मान है। है तो लीजिए आप देखते हैं धसे हुए कुछ ऐसे होंगे जहां पर पंक्तियां जो है वो खिंची होंगी तो है तो पृथ्वी लेकिन उसके अलग अलग रूप जो है उनको हम लोग यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है उसमें हम लोग यहां पर शामिल करेंगे उसमें इंक्लूड कर लेंगे दोस्तों समझ में आ रही होगी सारी बातें मैं फिर बार बार मैं आपको पता है क्यों क्योंकि अच्छा हाँ एक चीज और कि जब आप मेरे साथ में यहां पर पढ़ रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाते चलिएगा छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तो जो के बाबरी नहीं लिखनी है आपको शॉर्ट नोट्स आपकी समझ विकसित करने के लिए आपके लिए यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है चलो तो भाई अच्छे तरीके से आज हम लोग लैटिनो हिस्पैनिक ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी इन सब के बारे में जान चुके हैं अब सर फिजिकल के बारे में बता दिए थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में एक बार बता दीजिए ना कोई बात नहीं सुनो जरा बेटा जब मानव भूगोल की बात करेंगे ना तो मानव भूगोल में हम यहां पर देखेंगे कि सोशल ज्योग्राफी यानी कि आपका जो सामाजिक भूगोल है पॉलिटिकल ज्योग्राफी इसकी बात करेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी उसके बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी माय गॉड ये मतलब सोशल ज्योग्राफी मतलब हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब सर मुझे तो सर थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है यहां पर एक बार थोड़ा सा एलिब्रेट कर देंगे आप बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं आप लोगों से एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आप सोचेंगे माय गॉड ज्योग्राफी चल रही थी हम तो कहां पहुंच गए इतिहास में बिल्कुल सही बात है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो आप तुरंत आंसर दे देंगे सर मुझे पता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ठीक है बहुत बढ़िया दूसरा फिर आप बता दोगे तीसरा फिर आप बता दोगे लेकिन आप यह भी तो देखो कि वो तीनों ही युद्ध जो थे वो पानीपत में ही क्यों हुए एक पानीपत में हो जाता एक सोनीपत में हो जाता एक जींद में हो जाता मेरी बात समझ रहे हो तो पानीपत में क्यों क्योंकि वहां पर बहुत सारे बिंदु जो थे चर्चा कर रहे थे भाई कोई भी हमला होगा सीधा दिल्ली पर आक्रमण नहीं सह सकता दूर एक ऐसा मैदान होना चाहिए जहां पर युद्ध हो सके क्योंकि अगर यहां शहर में युद्ध होगा तो अब भी सी बात है कि जनता परेशान होगी नुकसान ज्यादा होगा नुकसान वहां भी होना है लेकिन यहां पर ज्यादा होगा तो उसी तरीके से हम लोग यहां पर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात कर ले पोलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर ले अब एक छोटा सा बिंदु और मैं आपको बताऊं भाई जब प्राचीन इतिहास की आप बात करते हो तो 16 महाजनपदें थी 16 महाजनपद लेकिन उन 16 महाजनपदों में से जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो बाकी की 15 की केवल आप राजधानियां याद करते हो और मगध को आप पूरा विस्तार से पढ़ते हो क्यों क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो आप पढ़ते और वो हुई क्यों क्योंकि वहां की ज्योग्राफी के कारण प्लेन थे गंगा के मैदान थे गंगा नदी थी लोहे की खोज थी लोहे की खोज भी थी वहां पर संसाधन भी थे एग्रीकल्चर भी हुआ तो ये सारी की सारी चीजें जो है बच्चों ये किसमें इंक्लूड करते हैं इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा समझ में आ गई होगी सारी बातें कहीं भी आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं रही होगी चले आगे चलिए अब अगला जो वर्गीकरण है अगला जो वर्गीकरण है अगला वर्गीकरण कौन सा है एक वर्गीकरण हमने देख लिया यहां पर इंडियन मतलब आ, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी इनके बारे में हमने अंतर यहां पर प्राप्त कर लिया है अब दूसरा जो है बेटा वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि भारत और विश्व का भूगोल विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके भी बारे में हमको यहां पर समझना होगा उसके बारे में भी हमको यहां पर जानना होगा मतलब सर समझ में नहीं आया सुनो जरा ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वर्ल्ड मैप क्या है बच्चों ये ये है वर्ल्ड मैप वर्ल्ड मैप मतलब विश्व का मानचित्र जो है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है ठीक है ओके तो अभी आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी शब्द जो है वो जियोग्राफो से बनता है जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी का लेखन ऐसा मैंने आपको यहां पर बता दिया था आपने ज्योग्राफी के बारे में बताया तो ऐसा सुना जाता है ज्योग्राफी का मतलब होता है अध्ययन और जियो का मतलब हो यानी कि भू तो भू का अध्ययन जो है उसको हम लोग यहां पर ज्योग्राफी जो है वो समझ लेते हैं उसी तरीके से मैंने आपके सामने ये जो मैप प्रस्तुत किया है ये मैप है विश्व का नक्शा विश्व का मानचित्र वर्ल्ड मैप जो है मैंने आपके सामने बताया है तो जो पृथ्वी का अध्ययन आप करेंगे वो दो प्रकार से करेंगे एक होगा आपका इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होगा आपका वर्ल्ड के ज्योग्राफी के यानी कि एक बार तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई हमको ग्रीनलैंड के बारे में भी पढ़ना होगा हमको अफ्रीका के बारे में भी पढ़ना होगा हमको जो रशिया जो है उसके बारे में पढ़ना होगा हमको साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ना होगा हमको नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ना होगा हमको यूरोपियन जो कंट्रीज जो हैं इंग्लिश चैनल क्या होता है उसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा हमको जो अरब है ये रेगिस्तान जो है इनके बारे में पढ़ना होगा ऑस्ट्रेलियर्स के साथ साथ में जो न्यूजीलैंड है इनके बारे में भी हमको पढ़ना ही होगा और इन सबके साथ में हमको यहां पर पढ़ना जो होगा वो होगा हमारे इस भारत के बारे में किसके बारे में दोस्तों हमको यहां पर इस भारत के बारे में पढ़ना होगा इसके बारे में हमको यहां पर जानना होगा समझ में आ गई बात सब लोगों को है ना इज इट क्लियर सबको पॉइंट जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे तो अब हम यहां पर इंडिया पहले हमने ज्योग्राफी को समझा ज्योग्राफी के बाद में हमने उसका वर्गीकरण किया ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को समझा फिर उसके बाद भी हमने इसको एक प्रकार से और क्लासीफाइड किया एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल और आज के इस सेशन में आज के सत्र में मैं आपके साथ में यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों क्या हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल जो है उसके बारे में अब हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं यानी कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो भूगोल है उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं अब आपके दिमाग में एक सवाल फिर से आएगा क्योंकि आपके अंदर क्यूरोसिटी बहुत है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहले से पढ़ रखे हैं उनके पूरी जानकारी है अभी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं मारे यार ये तो हमको सबको पढ़ा रखा है ये क्या बता रहे हो कुछ नया बताओ लेकिन समझो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे से एकदम जीरो से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए समझ विकसित करना मेरा सबसे परम कर्तव्य है जब तक समझ विकसित नहीं होगी आपको किसी विषय में आप उसमें अंक जो है वो अर्जित कर ही नहीं सकते आप मार्क्स गेन कर ही नहीं पाएंगे इसीलिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको यहां बताता चल रहा हूं चलो तो भाई भारत का भूगोल अच्छा तो सर मैंने आपने बताया था कि ज्योग्राफी मतलब जो आपकी पृथ्वी है उसका अध्ययन ठीक है अब इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि आपका जो भारत है उसकी जो पृथ्वी उसका जो लैंड है उसके बारे में अध्ययन अच्छा ये जो लैंड है इसको भी तो आप बोल सकते हैं क्लासिफाइड कर सकते हो एक ह्यूमन ज्योग्राफी और जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है भारत को भी कर सकते हो कि नहीं करोगे बोलो कर सकते हैं जब आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करोगे तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ोगे फिर आप जब ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि भाई उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा क्यों है गंगा के प्लेन्स जो हैं वहीं पर क्यों बसते हैं लोग ऐसे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो आ, आ, कल्चरल अगर देखा जाए डाइवर्सिटी जो है इंडिया में है कैसे हुआ कैसे ये बन पाया तो वो सारी की सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसा पॉसिबल है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया चतुर्भुज परियोजना जो है वो क्या है है ना गोल्ड ट्राइंगल क्या है तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यहां पर उस ट्रांसपोर्टेशन में उन उनपे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे इसके बारे में हम लोग उसको शामिल कर लेंगे ठीक है बच्चों समझ में आ गया होगा चलो अब अगर ये नक्शा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये नक्शा आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा है और हां जब आप ज्योग्राफी मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास में खुद के आपने देखा होगा छोटे छोटे मैप आते हैं दो तीन रुपए का वो आप लेके आ जाइए एक गड्डी भर के पूरा ठीक है और एक ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट ब्लैक सोन का एक मैप आता है उसको आप मंगा लीजिए उसमें धीरे धीरे आप मैपिंग करना स्टार्ट करिए क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं आपको मैपिंग के थ्रू भी है ना? तो यह बात भी बेटा आपको जाननी होगी ठीक है सुनिए जरा ये दो मैप आपके सामने प्रस्तुत है सा, सा, मामूली सा सवाल जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं आप विश्वास नहीं मानेंगे कई बार मैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं उनसे सवाल मैं पूछता हूं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप भी जवाब दीजिए और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का सही भी हो लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका जवाब गलत होता है वो आज भी भारत में उनतीस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश या नौ केंद्र शासित प्रदेश या सत्ताईस राज्य जो भी उनके मन में आता है जो भी उनने पढ़ रखा है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर हमारे पास में है बच्चों वो क्या है वो है स्टेट्स की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी है वो है यहां पर ट्वेंटी एट और यूनियन टेरेटरीज की अगर यहां पर संख्या पूछी जाए तो वो कितनी है वो है यहां पर एट ये बात आपको पता होना चाहिए और ये मैंने आपके सामने क्लासिफाइड भी कर दिया है आप आज से अगर आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना कि आपको इतने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एटलीस्ट राजधानी मैंने दो प्रकार से अगर हम यहां पर देखें तो यह इंडिया का फिजिकल मैप है ये क्या है बच्चों ये इंडिया का फिजिकल मैप है यानी कि इसको बोल सकते जो भौतिक जो नक्शा होता है उसकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं और ये भारत का राजनीतिक नक्शा है राजनीतिक नक्शा है पॉलिटिकल मैप है ये फिजिकल मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है दोनों मैप आपके सामने प्रस्तुत है लगभग लगभग आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है ऐसे आज अभी आप जैसे हैं वैसे तो है, आप हैं ठीक है ऐसे मान लो आपने कपड़े पहन रखे आप एकदम तैयार होकर बैठे हो तो आप ऐसे हो लेकिन अगर आपकी जब बॉडी की बात करेंगे तो आप ऐसे आ जाते हो है ना तो ये दो प्रकार का नक्शा जो है वो हमने आपके सामने मैंने आपको यहां पर प्रस्तुत कर दिया है ये बात आप लोग यहां पर जान जाइए ठीक है अब नेक्स्ट जो कहानी सर आप बात यहां पर इंडिया की कर रहे हो हां लेकिन सर मैं जब इंडिया के बारे में पढ़ता हूं इंडिया के बारे में जब मैं यहां पर पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे यह नहीं पता होता है कि एग्जाम में मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा कौन कौन से सवाल जो है मुझसे पूछे जा सकते हैं प्रिलिम्स में कैसे सवाल बनेंगे मेंस में कैसे सवाल बनेंगे यह सारी चीजें जो है वो एक बार मुझे पता होना चाहिए एटलीस्ट उनके बारे में तो मुझे जानकारी जो है वो यहां पर होना चाहिए देखिए मैं केवल यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की बात नहीं करूंगा दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं पॉलिटी को पढ़ रहे हैं इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं साइंस टेक को पढ़ रहे हैं करंट अफेयर को पढ़ मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो बेटा दो चीज़ें आपके दिमाग में यहां पर ज़रूर होना चाहिए पहली महत्वपूर्ण तो चीज़ जो है वो है बेटा यहां पर सिलेबस आपको सिलेबस ज़रूर यहां पर पता होना चाहिए जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाने क्या वाला है तो आप पढ़ क्या रहे हो और ये सबसे बड़ी गलती होती है एक किताब पढ़ रहा हूं मैं बहुत दिनों से और जल्दी मैं उसका नाम डिस्क्लोज करूंगा उसमें जो चीजें मैं आप बताता चलता हूं वो सारी चीजें उस किताब में, में मेंशन है कि असफल क्यों होता है व्यक्ति है ना तो सबसे पहले बेटा आपको यहां पर सिलेबस पता होना चाहिए और जब सिलेबस आप पता कर लोगे तो दूसरी जो मेरी रिकमेंडेशन होती है जैसे बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने पंचायती राज को लेकर दी थी उसी तरीके से उन्होंने त्रिस्तरीय दी थी मैं यहां पर आपको दू स्त्री बताता हूं सबसे पहले सिलेबस उसके बाद में पीवाई क्यूज और साथ साथ जब आपको समझ में आ जाए अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाए तो उसके बाद में एनसीआरटी बेटा चलने दो एकदम स्मूथली एग्जाम क्रैक करोगे ये मेरा आपसे वादा है एकदम स्मूथली क्रैक करोगे ये मेरा आपसे यहां पर वादा है ठीक है समझ में आ गई बात कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग यहां पर बात करेंगे हम लोग यहां पर बात करेंगे इसके सिलेबस की यानी कि जो पाठ्यक्रम जो है वो क्या है कौन कौन से सवाल जो हैं, वो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा जो है वो की जाएगी ठीक है ध्यान रखेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ऑफ इंडिया ये हमारा पहला यहां पर बिंदु होगा चर्चा का बेसिक ऑफ इंडिया उसके बाद फिजिकल फीचर्स रिवर सिस्टम इंडियन क्लाइमेट सॉइल्स एग्रीकल्चर मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज स्पेशली मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड लोकेशन ऑल्सो इंडियन फ्लोरा एंड फोना और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में और इसी में इसी में हम लोग जो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है पॉपुलेशन जो है वो सारी चीजें जो हैं वो हम इसी में यहां पर इंक्लूड कर लेंगे ठीक है सो so, अगर हम लोग अब ऑब्वियस सी बात है कि ये क्लासेस आपके लिए बायो लैंग्वेल है यानी कि दोनों भाषाओं में आपके लिए अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मेरी पूरी कोशिश यहां पर ये है कि दोनों ही मीडियम को ये सारी चीजें जो है वो इजीली यहां पर अंडरस्टैंड उनके मतलब मैं बोल सकता हूं कि समझ जो है वो उनकी विकसित हो जानी चाहिए तो बच्चों क्या क्या हमारा चर्चा का बिंदु रहेगा सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे भारत की जो सामान्य जानकारी है उसके बाद यहां पर जो फिजिकल फीचर्स हैं यानी कि भौतिक विशेषताएं हैं उसके बाद में अफवाह तंत्र भारतीय जलवायु मिट्टी कृषि खनिज और उद्योग यानी कि खनिज वितरण औद्योगिक नीति और उनका स्थान भारतीय वनस्पति और जीव और उसके बाद में भारतीय आर्थिक और मानव भूगोल यानी कि अगर मैं आपके सामने अगर मैं आपके सामने यहां पर इस भारत को प्रस्तुत करने की कोशिश करूं अगर मैं आपके सामने यहां पर इस भारत को प्रस्तुत करने की कोशिश करूं तो इस भारत के बारे में आपको यहां पर सामान्य जानकारी क्या नाम है तेरा नाम क्या क्या आपके बारे में यहां की विशेषता है उसके बारे में पता होना चाहिए नाम पढ़ा तो पढ़ा कैसे वर्गीकरण क्या है क्या पूरा भारत एक जैसा ही है नहीं भाई भारत तो विविधताओं की भूमि है इट इज अ लैंड ऑफ डायवर्सिटी इंडिया इज अ लैंड ऑफ डायवर्सिटी ये तो विविधताओं का देश है विविधताओं की भूमि है आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जाइए आप पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक जाइए आपको बहुत सारे परिवर्तन बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे इस भारत की यही कहानी कोस कोस पर बोली बदले तीन कोस पर पानी आपने देखा होगा जहां भी आप हैं परिवर्तन आप देखते भले ही आप एक राज्य में रह रहे हैं भले ही आप एक राज्य में रह रहे हैं लेकिन तब भी आपको परिवर्तन तो देखने को मिलता है है ना तो जब इतने से में डिफरेंस है तो भाई भारत में क्यों नहीं होना चाहिए और हम देखेंगे उन सारी चीजों को भी हम लोग यहां पर जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे भारत की सामान्य जानकारी यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात बेटा हमारे सामने जो आती है कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम जो भी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम रेलेवेंट है या नहीं वो परीक्षा से संबंधित है भी या नहीं ये बहुत आजकल बहुत, बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है क्योंकि तो कंटेंट हमारे पास में बहुत सारा है और उसकी समझ आप तभी विकसित कर पाएंगे जब आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे आपने जैसे आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में अगर आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे तो, तो मैं मानूंगा कि हां आपने अच्छे तरीके से इस पूरे लेक्चर को सुना है इस पूरे लेक्चर को समझा है और पढ़ा है क्योंकि ये जो सवाल मैं आपके सामने अभी लेके आया हूं ये केवल डेमो है ये तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है 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 मेरे दोस्त तो ये केवल क्या है? एक एक, बोल सकते हैं कि डेमो है। अगर इन मेरी क्लास को लेने के बाद में अगर आप इनके जवाब दे पाएंगे तभी मैं समझूंगा कि हां अब आप यहां पर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और ये आपका काम है अगर कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मुझे है ना सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन इज इज इंडिया कंसिडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट क्यों भारत को उपमहाद्वीप माना जाता है अपने उत्तर को विस्तृत कीजिए यानी कि अल्बरेट योर आंसर सेकेंड ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड द सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि सिकुड़ते हिमालय हिमनदों जो ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है उसमें जो जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको भी आपको यहां पर क्या करना होगा उनको आपको यहां पर उजागर करना होगा बताना होगा कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उससे भारत की जो जो क्लाइमेट जो है जलवायु जो है अब जलवायु और मौसम ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं बताऊंगा ये भी मैं आपको दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा है ना बताऊं जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा फिलहाल हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस पर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो भैया मतलब कई कई भी तो मार्ग भटक जाते हैं हम है ना तो जलवायु परिवर्तन के लक्षण और जो हिमालय का हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनको पिघलना जो है उनके बीच में रिलेशन जो है उनको आपको यहां पर बताना होगा और तीसरा वाई द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनसुलर इंडिया डोंट फॉर्म डेल्टाज यानी कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं भारतीय पैनसुला की प्रायद्वीप की वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं आपने नाम सुना होगा जब भी हम लोग यहां पर देखते हैं जब भी हम लोग जब इस भारत की चर्चा करेंगे तो आप देखते होंगे कि एक रफली मैप जो है मैंने आपके सामने हमारे बना दिया है थोड़ा सा केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको तो आप देखते हैं कि यहाँ से नदियाँ बहती हैं ये नदियाँ जो हैं ये बह रही हैं ये आई उत्तराखंड से गंगा नदी जिस प्रकार से बहती और चली जाती है एक आई यहाँ से यमुना नदी जिस प्रकार से आई और यहाँ पर इसमें मिल जाती है इलाहाबाद के पास में एक आप देखेंगे यहाँ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती अमरकंटक जो इस प्रकार से बहती हुई और ये चली जाती है एक प्रकार यहाँ से देखेंगे तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है फिर यहाँ से गोदावरी दिखेगी आपको कृष्णा दिखेगी कावेरी

तो फिर अपनी प्रतिक्रिया देना मत बोलना भाई कि हाँ सर मजा आ गया मतलब है ना चलो देखो भाई क्या क्या अब हमारे सामने यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ये एक हमारे आसपास का नजरिया हालांकि थोड़ा सा आपको हो सकता है कि उतना क्लियर ना देखे लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हमको स्पेशली यहां पर क्या क्या इंक्लूड करना है कौन कौन सी चीजों को हमको यहां पर लेके चलना है देखो जरा यह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि एक समझ जो है वो आपकी विकसित यहां पर अच्छे तरीके से हो जाए ठीक है है ये अपन ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया अभी नहीं पहले दो हजार चौबीस को चुनाव हो जाने दो उसके बाद करेंगे अपन ठीक है उसके बाद कर लेंगे अब सुनो जरा तो भाई ये आ, हमारा जो है भारत का नक्शा आप यहां पर देख पा रहे होंगे इसी के बारे में हमको चर्चा जो है वो करनी है ठीक है और ना केवल भारत के बारे में क्योंकि ऑबीसी बात है आप स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट हैं तो ना आप केवल अपना सोचेंगे बाकी आपके आसपास के जो देश हैं क्योंकि आपको आई आर भी यहाँ पर पढ़ना होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी आपको पढ़ना होता है जो आपकी कहीं ना कहीं विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं इसलिए आपको ना केवल यहाँ पर भारत के बारे में पढ़ना होगा बल्कि इसके साथ साथ में आपको अफगानिस्तान इसके साथ में आपको पाकिस्तान चाइना ठीक है इसके साथ में म्यांमार भूटान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका और स्पेशली अगर आपने सुना होगा तो यहां पर अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी जिस देश की मैं बोल सकता हूं कि आ, अब शब्द नहीं है मालदीव का नाम आपने सुना होगा है ना मालदीव का नाम आपने सुना होगा तो ऐसे सारे देशों के बारे में भी आपको जानकारी इसके साथ में थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया इनको मोदी जी अपने सपोर्ट में रखते हैं ताकि कम से कम कोई दिक्कत जो है वो यहां पर नहीं आना चाहिए तो सबसे पहले तो लेकिन हाँ अब दूसरे लोगों को पढ़ने से पहले पहले अपने बारे में तो जाने अपने बारे में हमको पहले इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर गेन करनी होगी उसके बारे में हमको यहां पर समझना होगा सुनो जरा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा इंडिया दैट इज भारत अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है आप इंडिया की बात कर रहे हैं आप भारत की बात कर रहे हैं ठीक है मान लिया लेकिन सर मैंने तो जब मूवी देख रहा था तो मैंने उसमें हिंदुस्तान शब्द सुना था हिंदुस्तान और जब मैंने इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया था और जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समाप्त हुआ था तो वहां पर मैंने एक शब्द और सुना था जिसको मैंने आर्यावर्त कहा था आर्यावर्त तो ये मतलब क्या है एक बार ये बता दो प्लीज मुझे थोड़ा सा देना दिक्कत हो रही है ओके लेट्स सी सुनो जरा इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली रिच सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध है हम एंड सेक्युलरली डायनमिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डायनामिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान भारत द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब यानी कि जिस पूरे आप यहां पर ग्लोब की बात करेंगे ग्लोब यानी कि जो आपका बोल सकते हैं कि पृथ्वी को आप लोग यहां पर मापते हो ना तो अगर यहां पर आपसे पूरे ग्लोब की भी अगर चर्चा की जाए तो आप इस पूरे ग्लोब में एक चीज तो यहां पर देखेंगे क्या देखेंगे कि इस पूरे ग्लोब में भारत जो है वो अपने क्षेत्रफल के हिसाब से अपने क्षेत्रफल के हिसाब से सातवें नंबर पर है सातवें नंबर पर है ये तो ग्लोब तो आपने देखा होगा ना इसके बारे में भी अभी चर्चा करने वाले हैं बच्चों घबराना मत एक एक चीज सिखाऊंगा एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी ध्यान रखना सुनो जरा तो मैंने आपको क्या बताया कि भारत दुनिया के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और धर्मनिरपेक्ष रूप से गतिशील राष्ट्रों में से एक है हिंदुस्तान भारत भारत गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है और भारत दुनिया भर में सातवां सबसे बड़ा देश है तो छह कौन से हैं छह कौन से हैं फिर देखो जरा सबसे पहले आप देखेंगे तो रशिया रशिया के बाद में आप देखेंगे तो यहां पर कनाडा उसके बाद यूएसए चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया इंडिया और यह डेटा ऑथेंटिक एनसीआरटी से लिया गया है एनसीईआरटी का डेटा जो है वो मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है तो आप लोग इस बात को भी यहां पर ध्यान और इसी को याद करने के लिए कई बार क्या होता ना, हमको याद नहीं होता है तो आप कर लीजिएगा जैसे कि आरसीबी है ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो आरकेसी और उसके बाद में यूबीए बस आरकेसी यूबीए यानी कि रूस कनाडा चाइना अब आप बोलोगे सर से कनाडा कब से होने लगा है? आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है बेटा इंग्लिश कमजोर वाली बात नहीं है यहां पर क्या हुआ अगर मैंने यहां पर भी सी कर देता ना तो कंफ्यूज हो जाता अब पहले कनाडा है कि चाइना इसलिए मैंने क्या कर दिया के सी ए तीनों तीन और छत बातों दुनिया हमारा भारत स्वर्ग से सुंदर हमारा भारत ठीक है समझ में आ गई बात क्लियर है सब लोगों लोग को तो के सी यूबीए और उसके बाद में इंडिया ये एनसीईआरटी का आ, मैप जो है वो मैंने आपके सामने आ, प्रस्तुत किया है लेकिन सर खबर तो अधूरी रह गई हमारी आप ये बता रहे थे कि आपका जो भारत है आपका क्या मतलब हमारा भी भारत है उसको आर्यवर्त कहते हैं उसको हिंदुस्तान कहा गया है फिर उसको भारत कहा गया फिर उसको यहां पर आ, इंडिया कहा गया इंडिया कहा गया सुनो जरा देखो बेटा छोटा थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनको भी साथ में आपके लेके चलूं आप लोग ये जानते हैं कि कहा यह जाता है कि आर्यंस जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने भारत का माइग्रेशन किया भारत की ओर माइग्रेशन किया और जब उन्होंने माइग्रेशन किया तो अपने एरिया में जिस एरिया में वो आकर बसे जिस एरिया में वो आकर बसे उस एरिया को उन्होंने क्या बोल दिया उस एरिया को उन्होंने बोला यहां पर सप्त सैंधव रीजन क्या बोल दिया था उसको सप्त तो सेंडअ रीजन जो था वो भी यहां पर बोला था इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे आर्य वर्थ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनका भी तो ख्याल रखना होगा नहीं तो वो हो जाएंगे परेशान हिंदुस्तान उसके बाद में ये तो खैर ऐसा ही रहेगा लेकिन कर देता हूं मैं भारत और ये तो रहेगा ऐसा ही इंडिया है ना सुनो जाओ तो आर्य जहां रहते थे आर्यावर्त ये तो इस प्रकार से हो गया ठीक है क्लियर उसके बाद में यहां पर भरत नाम की जनजाति रहती थी उनके राजा जो थे ठीक है उनके नाम पर भारत इसका नाम भारत हो गया उसके बाद में आप देखेंगे आप यहां पर समझने की कोशिश करें कि एक नदी बहती है बच्चों तिब्बत से तिब्बत से इसका नाम क्या इसका नाम है तो आप देखेंगे सिंधु है ना इस प्रकार से यह बहती है और यह भारत और पाकिस्तान बहने के बाद अरब सागर में चली जाती है अच्छा पश्चिम से जो देश लोग यहां पर आए वो लोग क्या कहते थे वो सा को कहते थे हा क्या कहते थे बच्चों वो सा जो हाँ। हुआ करता था उसको कहा करते थे यहां पर क्या हा और ये फिर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा यहां पर हिंदू ना और धीरे धीरे जो हिंदू था वो दीर क्या बन गया, गया यहां पर हिंदू और मुस्लिम आक्रांता जो था प्रयोग किया था और कई वर्षों तक हिंदुस्तान शब्द जो था प्रयोग होता रहा और यही क्योंकि सिंधु नदी जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इंडस क्या कहते बच्चों इसको कहते हैं इंडस और इसी इंडस से फिर क्या बन गया ये बन गया इंडिया लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा इस नाम को यहां पर परिवर्तित करके क्या कर दिया है इस नाम को परिवर्तित करके अब तो सिंपल कर दिया है क्या वो है यहां पर भारत यानी कि भारत अब सवाल एक दिमाग में आता है कि सर जब इतना सारा जब करना ही था तो काहे इंडिया किया भारत कर देते 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे ना तो उसी दिन कर देना चाहिए था नहीं बेटा ऐसा नहीं था ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारे एग्रीमेंट जो थे वो यहाँ पर भारत की तरफ से यानी कि हालांकि ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया था लेकिन बहुत सारे एग्रीमेंट जो थे वो यहाँ पर किए जा रहे थे उन सब जगह नाम जो था वो किसका था वो यहाँ पर इंडिया का ही था उनमें नाम क्या था उनमें नाम था यहाँ पर इंडिया तो इसीलिए उसको इंडिया को रखा गया और भारत जो था वो हमारी सांस्कृतिक विशेषता था यानी कल्चरल बोल सकते कि इंपोर्टेंस था इसका इसीलिए दोनों शब्दों को यहाँ पर शामिल किया गया फिर चाहे वो बात यहाँ पर इंडिया की हो या फिर बात जो है वो यहां पर भारत की हो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है समझ में आती जा रही है सारी चीजें कोई दिक्कत तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं बच्चों आगे जो बिंदु है वो मैं आप वो आपको समझाऊंगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत जो है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है कल्चरल हेरिटेज तो भाई साहब आप जान सकते हैं कल्चरली बहुत रिच है हमारा इंडिया आप आज भी अगर देखें तो राजस्थान चले जाइए पंजाब चले जाइए तमिलनाडु चले जाइए केरला चले जाइए कर्नाटक चले जाइए और तो आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कल्चरल इवेंट जो हैं सांस्कृतिक बोल सकते हैं कि त्यौहार जो हैं कार्यक्रम जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं है ना और उन सब की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं अपनी अपनी मान्यताएँ ठीक है तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की और ये जो नक्शा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हम लोग ईद ओणम पोंगल मकर संक्रांति है ना सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं आओ जरा विथ अ यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन ओ माई गॉड वट यू मीन यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन एन एंटिटी भौगोलिक स्थिति कैसे हो गई भाई और भारत की अद्वितीय क्यों है? भारत की अद्वितीय क्यों भारत की क्यों बांग्लादेश की क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया की क्यों नहीं ऑब्वियस बात है सवाल बनेगा ना सुनो जरा बताऊंगा अभी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति और इकाई के साथ देश अपने बुनियादी सिद्धांत माय गॉड इज ग्राउंडिंग प्रिंसिपल्स बुनियादी सिद्धांत क्या होते हैं बुनियादी सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं डेमोक्रेसी विशेषता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत हमारा इंडिया इक्वलिटी समानता की बात यहां पर की जाती है फ्रेटरनिटी बंधुत्व की बात की जाती है और इसके साथ साथ में इंटीग्रिटी एज इट्स ग्राउंडिंग प्रिंसिपल्स यानी कि जो आपके लोकतंत्र है आपकी समानता है बंधुत्व है और अखंडता है इन सब का प्रचार करता हुआ हमारा भारत इस दुनिया के एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो सी था इसको लेके इसको लेके यहां पर यूएस के जो आ, पदाधिकारी हैं उन्होंने चर्चा की तो एस जयशंकर जो हैं उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो भारत का है आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं भाई हमारा संप्रभु है भाई हम संप्रभु है सोवरन कंट्री है और सोवरन का मतलब क्या होता है जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता हो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे सामने इंटीग्रिटी अरे आप में से कोई भी हमारा कोई भी राज्य इससे अलग हो ही नहीं सकता पावर ही नहीं उसके पास में ये भी जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से इस भारत का नक्शा जो है वो आज हमारे सामने ये भारत हमारा है ही नहीं ये डिवाइडेड इंडिया है डिवाइडेड इंडिया है ये यूनाइटेड इंडिया की चर्चा करेंगे हम जब किसी दूसरी क्लास में ठीक है बच्चों आगे देखो जरा अब आते हैं इसकी जो सामान्य जानकारी है उनके बारे में अब डिस्कशन करना हम लोग यहां पर प्रारंभ करते हैं तो भारत के बारे में जान लिया हिंदुस्तान नाम क्यों हुआ इंडिया नाम क्यों हुआ आर्यावर्त क्यों कहते थे उन सारे बारों के बारे उन सारे शब्दों के बारे में अर्थ जो है वो हमने प्राप्त कर लिया है अब बेसिक सी इंफॉर्मेशन क्योंकि ये बेसिक जानकारी है तो बेसिक का मतलब होता है मूलभूत जानकारी तो आपको पता होना चाहिए और वही मूलभूत जानकारी जो है वो सबसे पहले हमारे सामने आ गई कि भाई हमारा भारत जो है भारत जो है वो यहां पर सातवें नंबर पे है इन टर्म ऑफ एरिया इन टर्म ऑफ एरिया ठीक है यानी कि क्षेत्र के आधार पर तो हमारा नंबर जो है वो सातवां है और जनसंख्या में तो आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं पॉपुलेशन में तो आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता है ही नहीं है अभी कुछ ही महीने पहले हमने यहां पर क्या किया था चीन को पछाड़ दिया था और इस दुनिया के नंबर एक देश बन गए थे हम पॉपुलेशन में क्योंकि हमने वादा किया था हम होंगे कामयाब हम चाइना को टेक्नोलॉजी में हरा पाए या ना हरा पाए एजुकेशन में हरा पाए या नहीं हरा पाए और और जो डेवलपमेंट है उसमें हरा पाए या नहीं हरा पाए लेकिन हमने यहां पर उसको पॉपुलेशन में हरा दिया है और आज पूरे विश्व में हमारी पताका फहरा रही है आओ जरा देखो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एमोस्फियर एंड द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटिट्यूड फ्रॉम एट डिग्री फोर नॉर्थ एंड थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ एंड एट 68 डिग्री ईस्ट एंड टू फाइव ईस्ट ये तो दिक्कत हो गई भाई ये हम तो ज्योग्राफी पढ़ने आए थे यहां पर तो मैथ्स की कैलकुलेशन चल रही है अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं मैथ्स के चक्कर में तो भागकर यहां पर आया था नहीं तो मैथ ऐसे से नहीं कर लेता सुनो बेटा सबसे पहली बात तो आप देख रहे होंगे यहां पर उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठीक है अब ये होता क्या है पहले तो ये बता दो मुझे तब तो मैं आगे चलू मुख्य भूमि आठ डिग्री चार नॉर्थ यानी कि उत्तर है ना और थर्टी सेवन डिग्री सिक्स 68 अक्षान्स, डिग्री सेवन पूर्व ठीक है से लेकर 97 सेवन डिग्री टू फाइव पूर्व देशांतरों के बीच फैली हुई है अब तो हो गई गड़बड़ अब ये तो मुझे पता ही नहीं है आओ बेटा देखो तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है इसके बारे में हम लोग यहां पर जान रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं आओ जरा मेरे साथ सुनो जरा सबसे पहले तो हम लोग यहां पर यह जानेंगे कि सर ये जो आप जिस अक्षांश की बात कर रहे हैं ये तो यही बता दो मुझे और जिस देशांतर की बात कर रहे हैं यानी कि यानी कि अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड लेटीट्यूड पहले तो आप मुझे यही बताओ ठीक है उसके बाद आपने यह बताया कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हेमिस्फीयर यानी कि गोलार्ध तो ये क्या होता है ये बता दो मुझे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा ये मतलब किताबी ज्ञान नहीं है छोटा सा ये क्या है गोला अकॉर्डिंग टू पी के सुना होगा आपने ठीक है तो ये क्या है इस गोले ये गोला मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर दिया और ये जो गोला है जो जब मैं आपको वर्ल्ड पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा ये जो गोला है ये अपने एक्सिस पे कैसा है बेटा फ्लैट है चपटा है एक्सिस पे कैसा है ये अपने एक्सिस पे तो फ्लैट है भाई ध्यान रखना एक्सिस यानी कि क्या बोलेंगे इनको उनको बोलेंगे हम यहां पर अक्ष क्या इनको? बोलेंगे इनको अक्ष बोलेंगे ठीक है एक्सिस बेटा पृथ्वी का शेप ही चपटाकार जियोइड संतराकार नींबूकार मौसमकार है ना एप्पलकार अंडाकार नहीं जियोइड चपटाकार फ्लैट एक्सिस पर कैसी फ्लैट है अब सुनो जरा आपने इस पर ऐसी पृथ्वी को आपने देखा होगा इस पृथ्वी पर बेटा आप लोग देखते होंगे आपने कई बार सुना होगा एक रेखा जाती है रेखा रेखा है ना नाम क्या है उसका नाम है यहां पर कर्क रेखा कर्क रेखा यानी कि इसको इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तो आपने सुना होगा कई बार और ये बेसिक जो टेंथ क्लास की तैयारी कर रहा होता है उसको पता होता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ठीक है सुनो जरा तो यहां से मैंने बोला कि भाई ये हो गया जीरो डिग्री जीरो डिग्री ठीक है अब इस जीरो डिग्री के जब आप नॉर्दर्न साइड में जाओगे ठीक है में जाओगे, तो यहां पर आपको नब्बे लाइन ऐसी देखने को मिलेगी और ये सुनिए ये दीज आर इमेजनरी लाइंस काल्पनिक रेखाएं हैं ये ऐसा नहीं है कि लाइन मतलब किसी मान लीजिए कि कर्क रेखा गुजर रही है तो मान लीजिए कि ये हमारा भारत है इस प्रकार से मैंने मान लीजिए भारत बना दिया तो मान लो कर्क रेखा से निकली तो बीच बाउंड्री है नहीं काल्पनिक है इमेजनरी लाइन्स है ठीक तो है तो नब्बे लाइन ऊपर है बेटा ध्यान रखना ये नाइनटी लाइन ऊपर जाएंगी ठीक है और ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे तो 90 लाइंस जो हैं वो टोटल यहां पर जाएंगी नीचे अच्छा लाइन क्या है ये लाइन क्या है लाइन कुछ नहीं है जीरो के बाद में क्या आता है जीरो के बाद में आता है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ऐसे जाएगी टोटल नाइनटी लाइन ऊपर जाएंगी नब्बे ठीक है और नीचे जाएंगे क्या जाएंगे जाएंगे नब्बे और इन्हीं में से इन्हीं में से आप बेटा जब यहां पर देखोगे इन्हीं में से जब आप देखोगे तो मान लीजिए कि ये तो आपकी हो गई जीरो डिग्री इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा इसको क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर भूमध्य रेखा इक्वेटर इसको बोलते इक्वेटर इक्वेटर बराबर इक्वेटर ठीक है तो ये क्या होगा बेटा आपका जीरो डिग्री भूमध्य रेखा इक्वेटर हो जाएगी ठीक है उसके बाद में अब जीरो के बाद क्या आएगा वन आएगा ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन ऐसे नंबर हो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और जब ये लाइन ये जो नंबर है, है ये पहुंचेगा साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री पर जब ये पहुंचेगा तो यहां पर क्या होगी यहां पर होगी आपकी कर्क रेखा कर्क रेखा ठीक है अच्छा ये क्या है गोलार्ध ये तो क्या है गोला है ना ये तो गोला अर्ध यानी कि गोला और उसका आधा और आधा कौन सा उत्तरी तो ये क्या हो गया भारत की अगर कंडीशन की बात करते हैं बच्चों जब भी हम लोग इंडिया की जब भी हम यहां पर चर्चा करेंगे बात करेंगे तो आप जानते हैं कि भारत जो है वो इस प्रकार से पृथ्वी के स्थित है अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आप उसको केवल उत्तरी गोलार्ध लगाएंगे क्या लगाएंगे बेटा उत्तरी गोलार्ध मैं दिखा दूंगा आपको देखो जरा अभी मैं यहां पर आपको शो कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए जस्ट अ मिनट एक बार वर्ल्ड का नक्शा आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए यहां देखो सुनो जरा अब ये तो क्या है नक्शा आपके सामने फ्लैट है पहले तो इसको साफ कर दू तो दोस्त मेरे जो है वो परेशान हो जाएंगे है ना सुनो अब ये तो कि भाई हमारे सामने क्या है फ्लैट मैप मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया लेकिन अगर घुमा दू इस तरीके से जैसे मालो, के लिए, अगर मालो के आप रहते हो लेते गुजरात में रहते हो आप ठीक है गुजरात में रहते हो और गुजरात में रहते हो तो आपको जाना है कनेडा कहां जाना है आपको कनेडा जाना और आप लोग जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में तो इसका मतलब तो आपको यहां से ऐसे जाना होगा पूरा घूम घाम के या सो पहले यहां से ऐसे निकलोगे फिर यहां से ऐसे जाओ क्योंकि हम तो ऐसे निकलते हैं लेकिन ऐसा ये हो जाएगा गलत और आपको कनाडा जाना है तो मान लो आप यहां से जाओगे ऐसे निकलो क्योंकि ये मुड़ जाएगा ना बेटा घूम के ये जो एरिया है ये यहां पर क्या हो जाएगा ये यहां पर ऐसे मिल जाएगा ऐसे घूम जाएगा समझ गए बात को है ना तो उस प्रकार से अगर देखें तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका नॉर्थ ये हो गया आपका साउथ ये हो गया आपका क्या ईस्ट और ये क्या हो गया ये हो गया आपका वेस्ट ठीक है और अगर इंडिया को इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मान लो तो मैंने लाइन खींच दी ये नॉर्थ है ठीक है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये क्या है साउथ है और ये दिशा कौन सी होती है ये दिशा कौन सी होती है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध जो है वो यहां पर क्या कर देंगे उसको यहां पर आप मेंशन कर दें गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध गोला का आधा और वो भी किस दिशा में उत्तर दिशा में क्लियर समझ में आती जा रही हैं सारी कहानियां जब भी आपको लगे जब भी आपको लगे कि बोरिंग सा फील हो रहा है तभी आप लोग वहाँ पर कमेंट कर देना कि थोड़ा तो सा बोरिंग फील हो रहा है और मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले टाइम पर जितनी भी क्लासें आपके पास में आए आपको ये लगना ही नहीं चाहिए कि यार ये तो मतलब आउट ऑफ दी बॉक्स बातें जा रही हैं सारी चीज़ें हम समझ कर और सीख कर चलेंगे है ना दोस्तों बोलो यह सुन लो और अगर समझ में आता जा रहा है तो भी आपको प्रतिक्रिया पूरी देनी है नहीं साहब बढ़िया क्लास थी एकदम क्योंकि वही मोटिवेशन है ना वही मोटिवेशन और उस मोटिवेशन में दिन ब दिन जो बढ़ोतरी होती जाएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ठीक है बच्चों तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो अपन वही अपने तारों के शहर में चलते हैं जल्दी से हाँ तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई है ना तो ये कर्क कर रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर उसी तरीके से बेटा उसी तरीके से जब आप यहां पर साउथ रीजन में जाओगे सदर्न एमोस्फियर में जाओगे तो ठीक साढ़े तेईस डिग्री पर ही साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ है ना ठीक साढ़े तेईस डिग्री पर ही ठीक है साउथ ठीक है यहां पर आपको एक लाइन दिखेगी इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? इसको हिंदी में कहा जाता है मकर रेखा मकर रेखा ठीक है? तो तीन रेखाएं, सबसे पहले जीरो डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर उसके बाद में आप देखेंगे तो कर्क रेखा साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ उसके बाद में मकर रेखा साढ़े डिग्री साउथ ठीक है यह बात ध्यान रखना अच्छा साढ़े तेईस का मतलब ये जो जीरो है ना जीरो के बाद में वन आया होगा टू आया होगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारी चीजें आई होंगी तो उसी तरीके से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो तेईस डिग्री अच्छा जब तेईस डिग्री की हम यहां पर चर्चा कर रहे तेईस डिग्री की जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कर्क रेखा है जिस कर्क रेखा की आप बात कर रहे हैं ये लगभग लगभग अगर देखा जाए लगभग लगभग अगर देखा जाए तो मैंने यह पढ़ रखा है कि यह गुजरात से पार होती है गुजरात से पार होती है और कौन कौन से हैं? तो सुनो जरा गुजरात है ना उसके बाद में राजस्थान ठीक है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ठीक है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इसको सबसे इंपोर्टेंट बात पता है क्या बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां पर हम लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कौन सी ट्रिक है सुनो जरा बहुत पुरानी है बहुत पुरानी पंडित झागू राम के छ मित्र पंडित झागू राम के छ मित्र कई सालों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इसका मतलब पश्चिम बंगाल झारखंड गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम और त्रिपुरा और त्रिपुरा कंफ्यूज मत हो जाना ये जो आपके सामने मैंने के प्रस्तुत किया है ना ये के साइलेंट है साइलेंट है एक बार पढ़ था क्लास में तो वो कह रहा था सर केरला केरला तो मैंने बोला मेरे दोस्त अभी तक तो ये सीधी जाती थी केरला तो हमारे पास यहां पर है साउथ में तो क्या ये फ्लक्चुएट होती है क्या टाइम के साथ में ऐसा नहीं है ठीक है तो केरला के साइलेंट है बाकी पश्चिम बंगाल झारखंड गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम और त्रिपुरा यानी कि यहां से लेकर यहां तक भारत के एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ राज्यों से बेटा क्या हो जाती है ये पास होती है इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए यानी कि कर्क रेखा जो है वो यहां से निकल चुकी है लेकिन सर कर्क रेखा अगर यहां से निकल रही है यानी कि ये तो बहुत पहले निकल रही है जबकि लाइनें तो आपने हमको ये बताई थी ना कि लाइनें तो बराबर चलती जा रही ना अगर ये कर्क कर रेखा जिसकी जो कंडीशन है वो साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ है इसका मतलब अगर मैं नीचे से देखूं तो और पहले से भी आ रही होगी तेईस के बाद में बाईस भी आया होगा इक्कीस भी आया होगा बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह ये भी तो आया ही होगा ना तो जवाब क्या होगा जवाब होगा हा हा हा, हा. बिल्कुल सही है और यही तो चीज में तुमको समझाना चाह रहा था कि भारत की जो कंडीशन है भारत की जो स्थिति है जिस आठ डिग्री चार की बेटा तुम यहां पर बात कर रहे हो ना तो ये जो आठ डिग्री चार जो है वो यहां से कहां से वो दक्षिण में यहां से पास होगा इस प्रकार से आठ के बाद में नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और तेईस के बाद चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उन्तीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस डिग्री सिक्स समझ में आया क्या मगज में आया क्या सुनो जरा आठ डिग्री चार से स्टार्ट होगा और कहा तक जाएगा सैतीस डिग्री छ नॉर्थ उत्तर में जा रहा है ना नॉर्थ में जा रहा है ना तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया इसको हमने बोल दिया नॉर्थ 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 सर ये तो में पर ये तो दक्षिण में है चलो इसकी तो बात मैंने मान ली कि ये नॉर्थ में लेकिन सर ये तो दक्षिण में है बेटा फिर वही वाली बात हम किसकी चर्चा कर रहे हैं हम यहां पर जीरो डिग्री की बात कर रहे हैं और जीरो डिग्री की तो किस में है ये नॉर्थ में ही है ना जीरो डिग्री के तो नॉर्थ में है मेरे दोस्त ठीक है तो ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी तो भैया अगर अब यहां पर मुझसे कोई पूछेगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है तो मैं तो बता दूंगा या बता दूंगी आठ डिग्री चार से लेकर सैतीस डिग्री छह तक हम यहां पर इसमें शामिल करते हैं एक चीज मैं आपको यहां समझा दूं अगर आपने एक वर्ड पर यहां पर ध्यान दिया दोस्तों तो, तो यहां पर बेटा मुख्य भूमि की बात की गई है यानी कि लैंड की बात की गई है लेकिन अगर यह हम यहां पर अंडमान क्योंकि इसका यहां से स्टार्ट होता है ये तो तो ये आठ डिग्री तो यहां से स्टार्ट होता है लेकिन आप देखते हैं भारत का विस्तार तो यहां पर भी अंडमान निकोबार में तो अंडमान निकोबार के कंडीशन के टाइम पर ये परिस्थिति छह तक पहुंच जाती है छह डिग्री नॉर्थ तक लेकिन मेन लैंड की बात की गई है मुख्य भूमि की बात की गई है इसीलिए मैंने आपको आठ डिग्री से सैंतीस डिग्री छह तक बता दिया है चलो ठीक है सर मान लिया बात यहां पर हुई केवल किसकी अक्षांश की अब अब बात होगी देशांतर की ठीक है बेटा अब अगर आपसे छोटा सा कोई सवाल पूछे छोटा सा कोई सवाल पूछे कि सर ये टोटल लाइनें कितनी है आप बता दो बिल्कुल सही सर 90 ऊपर 90 नीचे टोटल कितनी होगी 180 180 अरे भाई एक भी तो है 181 जीरो डिग्री को छोड़ दोगे क्या तो टोटल लाइन कितनी एक एक 181 181 ठीक है चलो मान लिया आप सुनो जरा ये तो हमने अक्षांश की बात कर ली है ये तो हमने अक्षांश की बात कर ली है अब दूसरी बात फिर से मैंने ये ग्लोब बनाया अब ग्लोब में आप देखेंगे यहां पर तो ये तो है भाई जीरो डिग्री यह? जीरो डिग्री यहां से लेके यहां तक बेटा ध्यान रखना टोटल जो लाइन है टोटल जो लाइन है उनकी संख्या कितनी है उनकी संख्या है टोटल तीन सौ साठ उनकी संख्या कितनी है बेटा टोटल 360 है इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 360 ठीक है 360 टोटल 360 है ठीक है? है और ये ये वाली कौन सी हो जाएगी जीरो जीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसे इसमें कैसे जा रही थी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोरटीन फिफ्टीन ऐसे जा रही थी ना उसी तरीके से अगर यहां की हम यहां पर चर्चा करें तो सबसे पहले जीरो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी आगे तक बिल्कुल फिर वो मिल जाएगी आगे जाके जीरो हो जाएगी ना यहां पे तो समझ गए बात को क्या नहीं ठीक है अब सुनो जरा मेरी बात को मेरी बात को समझने की कोशिश करना ठीक है तो ये जो लाइन होती है इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा इन्हीं को हम लोग यहां पर कहते हैं देशांतर क्या कहते हैं देशांतर अच्छा अब सुनो जरा अगर ये मैप आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया ये मैप मैंने आपके सामने यहां पर क्या कर दिया इसको प्रस्तुत कर दिया अब इस मैप में आप देखेंगे कि एक लाइन तो ऐसे गुजर रही थी ये बात तो मैं जान गया सर समझा दिया आपने लेकिन अब कुछ लाइनें जो हैं, कुछ लाइन जो हैं, वो बेटा ऐसे भी तो गुजरेंगी ऐसे बोलो गुजरेंगी कि नहीं अरे बोलो ना यार ऐसे भी तो गुजरेंगी ना यहां से गुजरेंगी ना ऐसे भी तो गुजरेंगे क्योंकि अभी हमने शेप देखा है ना ये शेप हमने देखा है ये वाला तो यानी कि लाइनें कुछ ऐसे भी गुजरेंगी यहां पर उनको भी हम जानते हैं उनको भी हम लोग यहां पर समझेंगे ठीक है तो यहां से भारत के सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है वहां से जो लाइन गुजर रही है ना बेटा वो कौन सी है वो है यहां पर सिक्सटी एट डिग्री सेवन सिक्सटी एट डिग्री सेवन ठीक है और 68 डिग्री सेवन के बाद में क्या आएगा 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 चलता जाएगा चलता जाएगा और जो लास्ट लाइन बेटा हमारे भारत से गुजरेगी वो कितनी होगी वो होगी यहां पर 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 ये यहां पर टोटल लाइन हो जाएगी समझ में आ रहा है सबको बातें मुझे लग रहा है कि सब कुछ एकदम क्लियर होता जा रहा होगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी अच्छा दूसरी बात सर यहां पर ना अभी आपने बता दिया ये तो नॉर्थ बता दिया आपने ठीक है दोनों में नॉर्थ लगा हुआ है लेकिन यहां पर ई क्यों लगा हुआ है ई का मतलब क्या बेटा ई का मतलब है है यहां पर <coughs> क्या ईस्ट ईस्ट का मतलब क्या यहां पर पूर्व और पूर्व मैंने क्यों बोला क्योंकि सिंपल सी बात है ये पे क्या होगा अगर यहां से देखा जाए तो ये पूर्वी तो है ये क्या है ये पूर्वी तो है पूर्व पश्चिम अरे रुको जरा ये क्या है पूर्वी तो है पूर्व पश्चिम उत्तर और ये क्या दक्षिण तो यहां से तो पूर्वी है ना इंडिया यहां से तो पूर्वी है ये गिर रही है 68 79 ऐसे जाएगा ऐसा तो 68 से लेकर यानी कि गुजरात से लेकर गुजरात में अगर इसकी कंडीशन जो है वो 68 डिग्री सेवन रही होगी तो जब आप यहां पर क्योंकि आपका पूर्वी राज्य कौन सा है पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है ठीक है तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यह नाइनटीन सेवन डिग्री टू फाइव यानी जाएगा म्यांमार और अगर देखें तो क्या लग जाएगा पाकिस्तान पाकिस्तान डिग्री से लेके क्या लग जाएगा ठीक है तो नाइनटीन सेवन डिग्री टू फाइव सिक्सटी एट डिग्री सेवन ये आपका आप लोग देखेंगे तो ये आपका देशांतर हो जाएगा और ये आपका अक्षांश हो जाएगा इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ सर अभी भी मेरे दिमाग में डाउट जो है वो वहीं का वहीं बना हुआ है एक बार और जरा क्लियर कर दो मैं अगर एग्जाम में भूल गया या भूल गई तो क्या करेंगे नहीं भूलने दूंगा जैसे होता है ना कि समझ में आना चाहिए हमको बस सुनो जरा मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको ये बताया कि भाई एक जो है उसको बोला जाएगा लैटीट्यूड क्या बोलेंगे लेटीट्यूड एक जो है उसको क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा यहां पर लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड अब सुनो जरा आपको कुछ नहीं करना कुछ मत करो लेटी यानी कि लेटी हुई तो ये कैसी लाइने हैं ये तो लेटी हुई लाइने हैं ये कैसी है लेटी हुई लाइने हैं ना तो ये क्या हो जाएगा भईपा ऐसे याद कर लो लेटी हुई मतलब अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड और दूसरी बात लोंगीटूड दूसरी बात लॉन्गिट्यूड तो ये लाइनें कैसी हैं ये लॉन्ग हैं तो ये क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूड तो ये क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा आपका देशांतर अब आप बताओ इससे भी क्या आसान कर दें इससे भी क्या आसान होगा बताओ जरा मुझे अब तो चीजें क्लियर है सारी सबको समझ में आ गया ठीक है बात क्लियर है चलिए तो बच्चों भाई ये वाली कहानी तो हमारी आज क्लियर हो गई कि ठीक है हमको अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरी जानकारी जो है वो हमको यहां पर मिल गई है और उसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम जो है वो हमको नहीं है हम सब कुछ जो है इजिली यहां पर समझ चुके हैं यानी कि आपकी जो अक्षांश लाइनें जो है ना बेटा देखो बता दें एक बार और आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो आपकी अक्षांश लाइनें जो है वो यहां से ऐसे पास होगी आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये तेईस उसके बाद चौबीस ठीक है पच्चीस छब्बीस 27 अट्ठाईस 29 तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ एट डिग्री फोर नॉर्थ ठीक है क्लियर उसी तरीके से उसी तरीके से अगर यहां पर बात कर लें तो आप देखेंगे तो सिक्सटी एट डिग्री सेवन 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, और इसी में बीच में आप लोग देखेंगे ना बेटा बीच में एक बार देखेंगे आपने कई बार ये सुना होगा साढ़े बयासी डिग्री साढ़े बयासी डिग्री इलाहाबाद के पास से निकलती है जहां से हमारा जो आईएमटी है ठीक है इंडियन टाइम जोन जो है वो यहां से शामिल किया जाता है इस बात को भी तो आप जानते हो इस बात की भी तो आपको जानकारी है सारी चीजें दिमाग में एकदम बैठाए रखना थकना नहीं है हारना नहीं है नई नई चीजों को हम दिन प्रतिदिन सीखते चलेंगे दिन प्रतिदिन सीखेंगे है ना हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं गीत नया गाता हूं मैं गीत नया गाता हूं ठीक है वरदान नहीं मांगूंगा ठीक है बच्चों तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा सो so, अब ये छोटू हमारे साथ में है बता रहा है कि लेटिट्यूड ने मुझसे पूछा था एक्चुअली में इसी ने पूछा था मुझे सबसे पहले कि सर ये क्या है तो मैंने उसको बताया कि भाई लेटीट्यूड जो है वो इस प्रकार से होता है लॉन्गिट्यूड जो है वो इस प्रकार से होता है ये नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव है ये साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है ये आपकी इक्वेटर है जीरो डिग्री उसके बाद आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बाद में आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ट्रो, ऑफ कैप्रिकॉर्न ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी इसके बारे में भी आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए तो ये पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया होगा इसमें कोई दिक्कत यहां पर तो नहीं रही होगी आगे चलो अब कई बार जो आपकी आ, प्रिलिम्स की जो टेस्ट सीरीज होती है या प्रिलिम्स का पेपर जो होता है वहां पर कई बार क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे जाते हैं तो इनको भी एक बार हम लोग यहां पर कवर कर ही लेते हैं ताकि अगर मान लो यहां से कुछ बने तो आपको पता होना चाहिए ठीक है सुनो बेटा आठ डिग्री चार से स्टार्ट होता है लेटीट्यूड बताया था मैंने आपको ठीक है आठ डिग्री से जाओगे आप यहां से लेकर और आप पहुंच जाओगे भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र पर उत्तरी क्षेत्र पर जब आप यहां पर पहुंच जाओगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी वो होगी कितनी बेटा तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर जो है ये दूरी आपको नीचे से नीचे से यानी कि आपका जो कन्याकुमारी है कन्याकुमारी जो है यहां से लेकर वहां तक जाओगे तो आपको यहां पर टोटल जो पॉइंट है तीन हजार दो सौ चौदह तय करना पड़ेगा और अगर आप गुजरात से लेकर यानी कि 68 डिग्री 7 से लेकर और आप 197 डिग्री 25 तक की यात्रा करते हो तो इसमें आपको टोटल डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर तय करनी होगी अच्छा सर ठीक है चलो आपकी बात को मान लिया लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं कि इस भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो आप क्या बोलोगे कुल क्षेत्रफल कितना है तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है बेटा बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ किलोमीटर स्क्वायर थर्टी टू लैक्स एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड स्क्वायर किलोमीटर इंग्लिश वाले इसको स्क्वायर किलोमीटर लिख लोगे ये टोटल एरिया है और इस टोटल एरिया में आप देखें तो आपके पास यहां पर अट्ठाईस राज्य हैं और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर आप उत्तर से लेकर या दक्षिण से लेकर उत्तर तक जाते हैं तो जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर रहेगी इसमें स्क्वायर मत लगा देना तो पता चलेगा स्क्वायर लगा दो तो ठीक है और अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की ये आपकी रहेगी दो हजार नौ सौ तैतीस किलोमीटर समझ गए बात को क्लियर है बात ठीक है अब कई बार कई बार यहां पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि भारत का पूरी बिंदु कौन सा है पश्चिमी बिंदु कौन सा है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ देखो बेटा जो पूरी बिंदु है वो कीविथु है कीवुथ्यू कीविथु कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में कीवीथु जो पश्चिमी बिंदु है वो है आपका गोहर मोती या गौर माता आपने सुना होगा गौर माता इसको कहा जाता है या आपका वेस्टर्न पॉइंट है नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल इंदिरा कॉल नॉर्दर्न कॉल और अगर सदर्न पॉइंट की बात करें सदर्न मोस्ट की बात करें तो वो है बेटा आपका इंदिरा पॉइंट वो क्या है आपका इंदिरा पॉइंट जो कि तमिलनाडु में स्थित नहीं है जो कि तमिलनाडु में स्थित नहीं है वो कहां पर स्थित है तो आपको आंसर देना है सर्व तो अंडमान निकोबार में स्थित है इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे ये बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए ठीक है क्लियर है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना तो मुझे बता ज़रूर देना कि सर ये बिंदु समझ में नहीं आया है ना मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं क्योंकि आप अगर मेरे साथ में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि एन रेफरेंस बुक वीडियो लेक्चर पी उन सब का निचोड़ जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करूँ और इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि फिर आपको ये चीज़ों को समझने की आवश्यकता जो है वो पड़े ही ना छोटे छोटे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए एग्जाम के टाइम पर रिविजन होता रहेगा बढ़िया से मजा आ जाएगा ठीक है क्लियर है है ना बच्चों चलो अब आगे देखो जरा नेक्स्ट ये फिजिकल आपका बोल सकते हैं कि भौगोलिक आपका नक्शा जो है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ किलोमीटर स्क्वायर जो है उतना यहां पर शामिल करता है दैट मींस थर्टी टू लैक्स एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर जो है आपको यहां पर ध्यान रखना है इंडिया ऑक्यूपाइज अराउंड टू ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल स्पेस अराउंड द ग्लोब यानी कि आपकी जो पूरी दुनिया है ना पूरी दुनिया इस पूरी दुनिया का यानी कि अगर ये पूरी दुनिया जो है वो आपकी 100 परसेंट है तो उस 100 परसेंट में से भारत के पास पता है कितना क्षेत्रफल है भारत के पास केवल 2.42 परसेंट एरिया है ये तो मैंने राउंड फिगर में यहां पर 2.5 लिखा हुआ है एग्जैक्ट दो दशमलव चार दो प्रतिशत है बेटा ध्यान रखना और इस दो में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो? मैं बोल सकता हूं कि हॉरिबल डाटा है 2011 की जो जनगणना है ना सेंसस जो है ना एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 टोटल 17.5 फाइव परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व में जो टोटल जो पॉपुलेशन है ना विश्व की उस टोटल हंड्रेड परसेंट पॉपुलेशन में से सत्रह दशमलव पांच प्रतिशत जनसंख्या किसकी है भारत की है एक हमारे फील्ड मार्शल थे सैम मोनेक्शॉ बहादुर आपने नाम भी सुना होगा तो उन्होंने एक बहुत शानदार स्टेटमेंट है उन्होंने बताया कि हम और ये बहुत पुराने स्टेटमेंट है उन्होंने बताया कि हम हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जनरेट करते हैं एक पूरा ऑस्ट्रेलिया हर वर्ष करते हैं इतना तो हम ठीक है और एक्टिव कितने हैं आप लोग देख रहे हैं हालत भारत के क्या है इस टाइम पर चाहे हम यहां पर मानव श्रम की बात कर लें रोजगारों की बात कर लें या किसी भी फील्ड की हम बात कर लें शिक्षा की बात कर लें रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ योर्स ओके सो 2.42 परसेंट एरिया में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कितना 75 17.5 परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार है बेटा अभी तो 2021 में होनी थी लेकिन वो लॉकडाउन लगा कोरोना के कारण हो नहीं पाई तो पॉपुलेशन में एकदम से और बूम आया और अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंक्रीज हो चुकी है ठीक है आओ जरा सुनो ठीक है तो इट्स टोटल लैंड बाउंड्री रेंजेज टू फिफ्टी टू हंड्रेड किलोमीटर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर अब ये मैप थोड़ा सा आपको नंबर जो है वो याद रखने होंगे बेटा क्योंकि ये प्रम्स में आपसे पूछे जाते हैं ध्यान रखेंगे आप इस बात का सुनो जरा मेरी बात को अगर मैं आपके सामने यहां पर भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करूं सुनो जरा ठीक है अब इस भारत की जो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं इंडिया की जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं वैसे तो अब भारत ही लिखना चाहिए क्योंकि अब तो भारत सरकार भी कह रही है कि नहीं नहीं आप भारत ही कहिए इसको लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सी समझ उससे बन जाती है तो ये क्या कह रहा है, है हमसे ये हमसे ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए आपको यहां से लेकर आप इस प्रकार से चलना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से अगर यहां पर आप चलना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यहां पर आप टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी कवर करेंगे टोटल आप यहां पर पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर का सफर जो है वो आपको यहां पर तय करना होगा पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर का सफर जो है वो आपको यहां पर तय करना होगा अगर आप उसकी परिक्रमा लगानी है तो परिक्रमा लगानी है तो ठीक है क्लियर अच्छा दूसरी बात अगर मान लीजिए इसकी कोस्टल लाइन की बात करें यानी कि तटीय रेखाओं की अगर बेटा हम यहां पर चर्चा करें तो तटीय रेखा जो है तटीय रेखा जो है वो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी सात हजार पांच सौ सोलह किलोमीटर सात हजार पांच सौ सोलह किलोमीटर सात हजार पांच सौ सोलह दशमलव छह किलोमीटर इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए और अगर इसमें से भी अगर आपसे लैंड की पूछी जाए मुख्य भूमि की पूछी जाए तो तो आप यहां पर बताएंगे कि भाई सर वो जो होगी ना वो रहेगी टोटल 6,100 किलोमीटर 6,100 किलोमीटर क्यों क्योंकि यहां पर ना इस वाली में इस वाली में टोटल आपका जो अंडमान निकोबार है है ना अंडमान निकोबार जो है ठीक है लक्षद्वीप जो है, है ना ये ये इन ये जो आपके पास में एरिया जो है इनको भी शामिल किया गया मेनलैंड यानी कि यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस आपकी 6,100 किलोमीटर है यानी कि जो आपकी मेन भूमि जो है मुख्य भूमि जो है वहां पर और आप ये जो लंबाई है बेटा ये स्टार्ट होती है कहाँ से तो आपको बताना है ये गुजरात से स्टार्ट होती है और गुजरात से होते होते कहां तक पहुंचती है ये पहुंचती है पश्चिम बंगाल तक पश्चिम बंगाल तक तो एक प्रिलिम्स में एक क्वेश्चन से बनता है प्रिलिम्स में क्वेश्चन बनता है बेटा कि बताओ भारत के कितने राज्यों के पास में तटरेखाएं भारत में कितने राज्यों के पास में तटरेखाएं हैं यह सवाल जो है बेटा यहां पर बनता है तो देखो जरा कितने हो जाएंगे देख लें जरा गुजरात गुजरात के बाद में अच्छा मैं आपको फिर बता रहा हूं मैपिंग जरूर करना है बेटा मैपिंग किए बिना काम नहीं चलेगा आप लोग को मैपिंग मेरे साथ में ड्रॉ करते जाओ यही वो समय है जब आप ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर सकते हैं अच्छे से उसको सीख सकते हैं साथ में मेरे साथ बनाते जाओ करते जाओ कोई दिक्कत आती है तुरंत मुझे बताओ है ना गुजरात गुजरात के बाद में क्या आ जाएगा राजस्थान हाँ सर आएगा तो राजस्थान मानता हूं इस बात को लेकिन सर तटीय रेखा की बात कर रहे हैं ना सर अरे आप हमको क्या समझ रहे हो पता नहीं है कि हमको कॉस्ट लाइन की बात कर रहे हो आप और कॉस्ट लाइन का मतलब क्या होता है कॉस्ट लाइन का मतलब होता है यहाँ पर तट रेखा और राजस्थान के पास में कहाँ से आएगी तट रेखा यानी कि हमको साउथ में चलना है तो गुजरात के बाद में क्या आता है बेटा गुजरात के बाद में आता है यहाँ पर महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बगल में ही भारत का सबसे छोटा राज्य जिसका नाम क्या है गोवा गोवा के बाद में आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कर्नाटक कर्नाटक के बाद में आगे जब हम चलेंगे तो पहुँचेंगे केरला और केरल से सीमा लगी हुई है किसकी तमिलनाडु की तमिलनाडु तमिल के आगे थोड़ा सा ही जब आप आगे जाओगे तो यहां मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा उड़ीसा उड़ीसा के थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा कौन आपको यहां पर मिल जाएगा पश्चिम बंगाल आओ जरा गिल क्या एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तुरंत आंसर दे देना बेटा गुजरात 1600 सो किलोमीटर यहां से देख रहे हो ना ये गुजरात ये गुजरात भैया बात है, बड़ा रहेगा इसमें क्या दिक्कत है सबसे छोटा नन्ना सा मुन्ना सा हमारा प्यारा सा गोवा दो जिले हैं ओनली टू डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा 160 किलोमीटर चीजें बहुत आसान है चीजें बहुत आसान है बस आपको कोशिश यह करनी है प्रयास ये करना है कि समझ विकसित होनी चाहिए सीखना होगा आपको थोड़ा सा इसको इंस्ट्रक्ट करना होगा अगर आप इसको इंस्ट्रक्ट कर जाओगे ना दोस्तों विश्वास मानो मेरा कोई भी सब्जेक्ट ये जोग्राफी है हिस्ट्री है पॉलिटी है अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मुझे तो करना है तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको फिंगर टिप्स चीजें होंगी आपको आप लगातार देख रहे हैं मैं मतलब इतनी सारी चीजें आपको बताता चला जा रहा हूं ना लगातार हम चलते जा रहे हैं बिना थके बिना रुके क्यों और यहां पर कोई किताब भी नहीं है रीजन क्या है इसका इसका रीजन यह है कि ये प्रैक्टिस है प्रैक्टिस से ही संभव हुआ है और आई एम नॉट अ चिट्टी आई एम नॉट अ रोबोट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो और वो आप करेंगे लेकिन वो संभव तब होगा जब आपके अंदर वो जुनून होगा वो जज्बा होगा वो ज्वाला होगी तब ही हो पाएगा और नहीं तो आप देखते हैं कि सफल लोगों से ज्यादा असफल सड़कों पर घूमते हैं प्रयास कहीं ना कहीं तो कमी है समझ में आगे बेटा बात इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी ठीक है चलो आगे चलते हैं ओके सो इंडिया एंड इट्स नेवर्स यानी कि भारत और इसके पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में हम चर्चा कर ले कितने देशों के साथ इसकी सीमा मिलती है बेटा तो ध्यान रखना कि अफगानिस्तान से क्रम जो है स्टार्ट होता है अफगानिस्तान के बाद में पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ में आप अच्छा ये भी पता तो होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कभी ना कभी तो पूछ लिया ही जाएगा तो क्यों ना हम इसको यहीं पर देख ले एक दो ठीक है दो हो गए हैं उसके बाद तीन चार पांच ठीक है छ और सात यानी कि टोटल सात राज्यों से सीमा जो है वो भारत की साझा होती है अब ये मत बोलना कि सर श्रीलंका भी है श्रीलंका के साथ में समुद्री रेखा की बात करें है टोटल हमारी जो मेन लैंड है उसकी बाउंड्री की चर्चा जो है बेटा वो मैं आपके साथ में यहां पर कर रहा हूं इस बात को ध्यान रखना इस बात की आपको जानकारी जो है होना चाहिए सुनो जरा अच्छा यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किससे तो सबसे ज्यादा बेटा यहां पर है आपकी बांग्लादेश के साथ में बांग्लादेश के साथ कई बार होता है ना पूछा जाए आपसे बताओ कौन कौन से अब मैं तो सर ये तो भूल ही गया मैं तो ये तो मैं भूल ही गया कि सर ये कौन कौन से देश थे तो एक बार कोई ट्रिक हो तो बता दो बिल्कुल है सुनो जरा ये भी बहुत पुरानी ट्रिक है बचपन में बीए किया क्या किया बेटा? मैंने बचपन में क्या कर लिया था बीए कर लिया था हालांकि मैंने बीए किया नहीं है लेकिन फ्री बता देता हूं आपको बचपन बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान नेपाल म्यांमार भूटान और अफगानिस्तान हो गया ना एक दो तीन चार पांच छ सात किया साइलेंट किया की तो आती है सेल्टोस और सोनेट उनको छोड़ दो ठीक है, बचपन में बीए किया सबसे ज्यादा बांग्लादेश सबसे कम अफगानिस्तान समझ में आ गई बात क्लियर है चलो तो यह बात तो यहां पर हम देख देख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग यहां पर देखें तो कुछ और पॉइंट हैं, जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं समझाना चाहता हूं सुनो जरा द इंडियन लैंड शेयर्स नेबरहुड विथ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड दीज कंट्रीज आर बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट श्रीलंका टू द साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट मालदीव टू द साउथ वेस्ट चाइना नेपाल भूटान टू द नॉर्थ एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट यानी कि अगर मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करूं तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएंगे बांग्लादेश और म्यांमार श्रीलंका जो है वो आपको साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट का मतलब क्या होगा बेटा ये वाला हिस्सा और आप देखेंगे तो श्रीलंका यहां पर है ये आप इसको इंक्लूड कर सकते हो मालदीव टू द साउथ वेस्ट आप देख रहे हैं इसी से हमारा पंगा चल रहा है मालदीव है ना चाइना नेपाल एंड भूटान टू द नॉर्थ चाइना नेपाल और भूटान ये नॉर्थ साइड हो गई है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट ठीक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है तो इन दोनों की दिशा नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलेंगे इस बात को आप लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा इस बात की भी आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए ठीक है सबको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया से एकदम से कंप्लीट करते चलो बेटा और हां जब आप इस जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है इससे संबंधित अगर आपको कहीं एमसीक्यूज मिल जाए कुछ क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो भाई सोने पर सुहागा क्यों क्योंकि सोने पर सुहागा का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास मतलब में था उसमें उसमें आपने और इन्हांस किया है और एनहैंस मतलब आपने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस टॉपिक को पढ़ा एमसी क्यूज करे पी वी क्यूज करे कवर कंप्लीटेड अब पूछ लो कुछ भी मुझसे मैं तुरंत आंसर दूंगा या दूंगी उसके ठीक है एफर्ट करने पड़ेंगे प्रयास आपको करने पड़ेंगे है ना और मैं एक मतलब जीवन के बहुत सारे वर्ष जो हैं वो मैंने आप ही की तरह इस तैयारी को दिए हैं प्रिपरेशन को दिए हैं कुछ कमियाँ रहीं जिस वजह से अंततः वहाँ नहीं पहुँच पाया लेकिन अब ये मेरी प्रतिज्ञा है अब मेरा ये प्रयास है कि अब कुछ बचना नहीं चाहिए अब जो मैं पढ़ाऊंगा जो आप पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम रिलेवेंट होगा आपकी समझ विकसित करने के लिए होगा और बहुत आसान भाषाओं में होगा ऐसा पूरा प्रयास मैं करूंगा यहां पर ठीक है बच्चों ओके सो so, ये आपको अच्छा हां दो तीन सवाल और यहां पर पता होना चाहिए देखो डूरंड लाइन जो है डूरंड लाइन इसको लेकर बहुत हमारे बीच में कंफ्यूज होता है डूरंड जो है बेटा वो पहले इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ठीक है यह आपको पता होना चाहिए रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है ना तो ये भी सवाल अगर मान लो आपसे कभी पूछा जाए तो इनको भी आप लोग यहां पर शामिल कर लेंगे देखो जरा ये भारत और ये नक्शा मैंने आपके सामने जान बूझ कर यहां पर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि कई बार आपने नाम सुना होगा पीओके पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना बेटा वो यही रीजन है इसीलिए मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है इसीलिए मैंने आपको सामने ये आधा तो इसने ले लिया और यहां पर एक्साइचिन ये आपने सुना होगा ठीक है इसीलिए मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया इसका जो क्षेत्र जो है वो इतना है लेकिन वही वाली बात है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो ठीक है लेकिन हिस्सा हमारा है लेकिन पता होना चाहिए आपको इसीलिए ये नक्शा मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान चाइना ठीक है म्यांमार म्यांमार बांग्लादेश और इन देशों को हम अपने साथ में लेके चलते हैं हालांकि ये कई बार हमारे साथ में यहां पर गलत कर रहे हैं श्रीलंका हो या मालदीव हो नेपाल हो भूटान हो लेकिन फिर भी हम अपने साथ में इनको लेके चलेंगे छोटे छोटे भाई हैं इनसे हमको यहां पर आवश्यकता जो है वो रहेगी अच्छा ठीक है तो सर आपने मुझे ये बताया कि टोटल सात देश जो हैं देर आर टोटल सेवन कंट्रीज जिनके साथ में हमारी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है हम शेयर करते हैं तो जब बाउंड्री शेयर होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे स्टेट जो है यानी कि हमारे राज्य जो है वो भी उनसे मिलते होंगे उनकी भी सीमा टकराती होगी बिल्कुल सही सुनो जरा जम्मू कश्मीर पंजाब गुजरात एंड राजस्थान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान ठीक है जम्मू और कश्मीर पाक ऑक्युपाइड रीजन पाक अधिकृत क्षेत्र जो है शेयर्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान ठीक है बताऊंगा ये भी समझाऊंगा मैं आपको जरा देख लो आपको अफगानिस्तान का ये एरिया है ये ये पाक ऑक्युपाइड रीजन बता वही वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जान बूझ कर ये नक्शा जो है वो आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया गया है ठीक है समझ गए बात को सिक्किम वेस्ट बंगाल सिक्किम वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल ठीक है, बॉर्डर विद नेपाल, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड सिक्किम शेयर बॉर्डर विद चाइना यानी कि जम्मू कश्मीर पंजाब गुजरात और राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं जम्मू कश्मीर पीओ पाक, पाक अधिकृत क्षेत्र जो है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम पश्चिम बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम चीन के साथ में सीमा जो है वो साझा करते लेकिन सर ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आया दिस इज नॉट राइट थिंग आप तो कह रहे थे मैपिंग कराओगे और आपने तो ऐसी हमको बस रटा दिया ये बात तो ठीक नहीं है तो मैं कब कह रहा हूं कि अभी बात ठीक है सुनो ना मैंने मना कर दिया कि भाई ऐसे नहीं है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा ऐसा होने ही नहीं दूंगा जरा देख लो बढ़िया से एकदम देख लो मैंने अभी आपको क्या बताया था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यही तो है यही तो उसने दबा लिया है ना हमारा तो कोई दिक्कत नहीं देख लो सारे स्टेट मैंने आपके सामने यहां पर तो प्रस्तुत कर दिए जम्मू कश्मीर अब ये तो पता ही होगा ना यार यहां पर चाइना है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ये तो पता ही होगा ये नेपाल है भूटान है है ना इसकी तो जानकारी होगी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ठीक है सिक्किम भूटान उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश ये सारा का सारा आप लोग यहां पर इसको लिख लेंगे और मैंने आपको फिर बताया था वो जो छोटे वाले मैप आते हैं ना जो आउटलाइन वाले मैप आते हैं उन आउटलाइन वाले मैपों की एक गड्डी लेके आ जाओ और डेली डेली के दस बीस मैप खराब करो सफर लंबा है अभी नदियां बहाएंगे झील बनाएंगे पहाड़ बनाएंगे पर्वत श्रृंखलाएं बनाएंगे है ना प्लेन्स बनाएंगे प्लेन्स मतलब मैदान वो वाले प्लेन उड़ाएंगे नहीं प्लेन्स बनाएंगे तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो बहुत लगेगा ना उसमें तो लेके आओ बेटा है ना ये आपको जरूरी है ये आपको ड्रॉ करना ही करना है तो ये जो हमने यहां पर देखा था ये जो हमने देखा है इसको मैंने क्या कर दिया इसको मैंने मैप के थ्रू आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है ताकि वो सारे पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है आगे देखे जरा अरुणाचल प्रदेश असम सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान ठीक है वेस्ट बंगाल मिजोरम मेघालय त्रिपुरा एंड असम शेयर विद बांग्लादेश बांग्लादेश तीनों ओर से से घिरा हुआ राज्य कौन सा है अगर यह आपसे पूछा जाए बिल्कुल सोचना मत समझना मत यह क्या लिखा है त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा बेटा बहुत सिंपल आपको आंसर देना है सिंपल हो जाएगा त्रिपुरा पूछा जाता है कई बार ये है ना अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम एंड नागालैंड शेयर बॉर्डर्स विथ म्यांमार मैं नहीं मानता मैं इस बात को यहां पर स्वीकार ही नहीं करूंगा मैं नहीं मानता क्यों नहीं करोगे लोग अब तो करोगे अब तो करोगे ना कैसे ये देखो भूटान अरुणाचल प्रदेश चाइना ठीक है ये नागालैंड मणिपुर इसके बाद में यहां पर क्या यह है, है म्यांमार तो ये मणिपुर ये नागालैंड यहां पर मिजोरम ठीक है ये त्रिपुरा अब ये देखो जरा देख ले जरा ये मैंने आपके सामने बनाया क्या बांग्लादेश मैंने आपको कहता है तीनों ओर से बांग्लादेश से गिरा हुआ राज्य ये पूरा अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बांग्लादेश है ये बांग्लादेश है ये ऐसा मत सुना ये मेघालय मेघालय का नक्शा जो है वो यहां पर एरो बना हुआ देखो जरा ये बना हुआ एरो ठीक है ये मेघालय तो ये क्या है ये बांग्लादेश है तीनों ओर से एक और दो और तीन और त्रिपुरा समझ गया बात को क्लियर है बात कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम ठीक है बेटा तो ये चीजें आपको यहां पर जरूर कवर करना है इन चीजों को आपको जरूर यहां पर शामिल करना है कोई भी बिंदु जो है वो आपको यहां पर छूटना नहीं चाहिए छूटना नहीं चाहिए ये बात आपको पता होना चाहिए आई होप के ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको एग्जैक्टली exactly क्लियर हो गए होंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको यहां पर नहीं रही होगी सारे बिंदु आपको ईजीली समझ में आ गए होंगे हमारा राइट और रॉन्ग प्लीज लेट मी नो और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग क्या अंतर आए हैं क्या चेंजेस आपने यहां पर सीखे हैं समझे हैं इनको जरूर आप यहां पर क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठीक है आओ जरा भारत के महत्वपूर्ण लक्षण और विशेषताएं इनकी भी चर्चा जो है वो थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं द नेम इंडिया इज डेराइड फ्रॉम द इंडस रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पहला पॉइंट दूसरा आवर कंट्री इंडिया डेराइव इट्स नेम फ्रॉम द इंडस रिवर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है लोकतंत्र का पर्व अभी हमारे देश में मनाया जाएगा है ना तो ये हमारे भारत की विशेषता है सांस्कृतिक विशेषता देखते हैं कि बहुत सारे धर्म पंथ है ना बहुत सारे वर्ग जो है हमारे देश में निवास करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यूनिटी जो है वो एग्जैक्टली हम लोग यहां पर देखते हैं इस बात को अच्छे तरीके से आप लोग समझते हैं तो बच्चों ये हमने यहां पर अभी तक जो भी यहां पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया या अबाउट इंडिया जो है उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर सीख लिया है यानी कि भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में हमने यहां पर कवर कर लिया है ठीक है अब आपका होमवर्क क्या है आपका होमवर्क यह है कि भाई आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी आपके पास में पीवाई क्यूज है जो भी आपके पास में एमसी क्यूज है उन सबको आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों कवर करना है और जो नहीं आएगा उसको आप पूछ लेंगे रुकना नहीं है थकना नहीं है छोड़ना नहीं है कुछ भी ठीक है चलो तो यहां तक की तो कहानी जो थी वो क्लियर हो गई अब देख ले जरा कि भाई सिलेबस जो था वो हमारा क्या कहता है सिलेबस जो था वो हमारा क्या कहता है एक बार वो भी मैं आपको दिखा दूं क्योंकि हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है ना इधर उधर तो हमको जाना नहीं है सुनो जरा बच्चों ये हमारे पास सिलेबस था जो हमको यहां पर कवर करना था पहला पॉइंट इंडिया बेसिक ऑफ इंडिया इसको हमने बढ़िया से एकदम मुझे लगता है कि समझ लिया होगा जान लिया होगा दूसरा हमारा क्या है बेटा दूसरा हमारा है यहां पर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया यानी कि यानी कि भारत की भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं भौगोलिक विशेषताएं जो हैं अब उनके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे अब उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे सुनो जरा तो बेटा ध्यान रखना जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी को क्लासिफाइड किया है जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी को क्लासिफाइड किया है उसी तरीके से आप यहां पर भारत को भी क्लासिफाइड कर सकते हो ऑन द जियोग्राफिकल बेसिस यानी कि भौगोलिक आधार पर फिजिकल बेसिस पर आप भारत को क्या कर सकते हो क्लासिफाइड कर सकते हो वर्गीकृत कर सकते हो कितने प्रकार से तो आपको जवाब देना होगा पांच प्रकार से पांच प्रकार कौन कौन से पांच प्रकार हैं सर एक बार बताइए तो सुनो जरा बेटा सबसे पहला जो प्रकार है दोस्तों वो है यहां पर नॉर्दर्न माउंटेन्स नॉर्दन माउंटेन्स मतलब उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला ठीक है नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के वृहत मैदान ग्रेटर मैदान तीसरा पेनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार या पेनेंसुला प्लेटू या प्रायद्वीपीय भारत जो भी आप कहना चाहें अब ये क्यों प्रायद्वीपीय है क्यों भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बिल्कुल करेंगे उसके बाद कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स दैट इज तटीय मैदान एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आइलैंड्स कौन सा हो जाएगा बेटा आइलैंड्स यानी कि दीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि दीप समूह जो है इसको आपको यहां पर जानना होगा इसके बारे में आपको यहां पर समझना होगा इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए ठीक है समझ में आ गया है सबको इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी आई होप कि ये सारे पॉइंट सारे बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं जो भी कहानी मैंने आपको समझाई है वो सब कुछ आपको ईजिली समझ में आ गई होगी ठीक है अगली कक्षा में अब यहां पर ये जो आपके सामने नक्शा मैंने प्रस्तुत किया है ये जो नक्शा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है अब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे नॉर्दन प्लेन्स इंडियन डेजर्ट डेक्कन प्लेटू कोस्टल प्लेन्स ठीक है हिमालयन रेंज इन सबके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे इन सबके बारे में अब हमको यहां पर चर्चा करनी होगी और चर्चा इसलिए भी करनी है चर्चा इसलिए भी हमको करनी है क्योंकि यहां से यहां से सवाल आपसे प्रिलिम्स में मेंस में पूछे जाते हैं इसीलिए कुछ भी बिंदु कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो आपसे नहीं छूटना चाहिए नहीं रहना चाहिए ध्यान रखेंगे बच्चों जियोग्राफी भूगोल एक ऐसा विषय है जो अगर आपने एक बार तैयार कर लिया यानी कि हिमालय का निर्माण हो गया है तो हो गया है अब वो फिर से नहीं बनेगा उसकी हाइट बढ़ रही है अब अगर गंगा नदी टोटल अगर 2525 किलोमीटर बह रही है तो वो 2525 ही बहेगी आगे जाके वो 3000 किलोमीटर नहीं होने वाली है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने एक बार इस विषय को तैयार किया है अगर एक बार आपने इस विषय को कंप्लीट कर लिया विथ प्रैक्टिस विथ पी वाई क्यूज विथ क्यूज तो मेरा ऐसा मानना है मेरा ऐसा विश्वास है कि फिर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत जो है वो सब्जेक्ट में नहीं आएगी ठीक है दोस्तों तो चलिए इसी कामना के साथ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा अच्छे से आपने इसको तैयार किया होगा सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे मैं आज आपसे लेता हूं विदा अब आपको अगली कक्षा में हम लोग यहां से कहानी जो है वो स्टार्ट करेंगे हाँ अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर साझा कीजिएगा ताकि और अच्छे से इन सारे लेक्चर्स को आपके सामने मैं यहां पर प्रदान कर सकूं तो इसी बात के साथ में थैंक यू सो मच गाइज फॉर लेविंग सपोर्ट कीप लर्निंग विथ अस थैंक्स फॉर वॉचिंग बीपीएससी वाला भारत माता की 이제